रखो ना, सब ठीक हो जाएगा। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? पार्वती की चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उस वजह से कोई चिंता नहीं, तीन पीढ़ियों से हमारे वंश में एक भी लड़की नहीं जन्मी। कम से कम इस बार हमारा भाग्य साथ दे तो अच्छा रहे। पिताजी, लड़की हुई है। स्वामी जी, कैसे हो राघव बेटा? आपका आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा से तीन पीढ़ियों बाद हमारे यहाँ लड़की जन्मी है। पार्वती, आशीर्वाद लो। ये बच्ची बहुत ही भाग्यशाली है। ये नन्ही सी जान सबसे प्रेम करने वाली अमृत मूर्ति बनेगी। किसी को कोई भी कष्ट हो, कोई भी दुख हो, हाथ बढ़ाकर सहायता करेगी। ये जहाँ रहेगी सुख शांति धन संपत्ति भरपूर रहेंगे। क्योंकि इस बच्ची की वजह से सुख शांति और ऐश्वर्य आएंगे, इसलिए इस बच्ची का नामकरण मैं ऐश्वर्या करता हूँ। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ये लो बेटी। क्या हुआ? ओम नमः शिवाय। ये अति शक्तिशाली और परम पवित्र एक मुखी रुद्राक्ष है। इस बच्ची को हमारा ये उपहार है। धन्यवाद स्वामी जी। इसे हमेशा बच्ची के गले में रहने देना बेटी, उस परमेश्वर की बच्ची पर कृपा रहेगी। हमें आज्ञा दीजिए। शुभमस्तु। स्वामी जी, उस बच्ची के उज्जवल भविष्य के बारे में बताते हुए आपका आनंद आपकी आंखों में क्यों नहीं दिखाई दिया? स्वामी जी, क्या बात है? उस बच्ची के भविष्य के बारे में मेरी कही हुई हर बात सच है। अब से सौभाग्य उस परिवार के साथ ही रहेगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि वो बच्ची अपने 22वें साल में मर जाएगी। शिव शिव शिव। अरे नरेश जी, पिताजी, हमारा 50 करोड़ का टेंडर पास हो गया है बेटा। सचमुच? ये हमारी ऐश्वर्य की वजह से है। हमारी परंपराओं को, हमारे वेदों को, हमारे धर्म को भूलते हुए इन दिनों में गुरुकुल और वेद पाठशालाओं की स्थापना करके हमारी संस्कृति का रक्षण करना, ये सारे कार्य महानता की पहचान है राघव जी। अमल हम सब जरूर करते हैं, पर विचार हमारी ऐश्वर्या के हैं। होंगे क्यों नहीं,
वो तो भगवत कृपा से जन्मी हुई बच्ची है। वैसे ऐश्वर्या है कहाँ? Go, man, go. Sir, give me now, go. Sir. No. Sir, please. Only 1 rupee, sir. Sir, please. Please, sir, give me 1 rupee, sir. Madam, please, madam. Look, sir, Gandhi's begging. Give me 1 rupee, yeah. sir. Madam, in the name please, of Gandhi, sir, the Indians are begging. Madam, please, madam. Sir, sir, give me 1 rupee. What? Excuse me, please. Okay, let's go. क्यों रे? महात्मा गांधी की भेस में भीख मांगते हो, उन फिरंगियों के सामने हाथ फैलाते हो, शर्म नहीं आती? माँ बाप नहीं है, मेरी बहन 3 साल की है, बिल्कुल नहीं रोती सिवाय भूख लगने पर, इसलिए भीख मांगना मुझे गलत नहीं लगा। पेट भरने के लिए सिर्फ भीख मांगना ही चारा नहीं है। नमस्ते मैडम। गुलाब के फूल दीजिए। ये लीजिए। इनको लेकर उस पार्क में जाओ, 2-2 रुपए के भाव से इन फूलों को बेचो, ऐसा कमाया हुआ पैसा तुम्हारे मेहनत का कहलाएगा, उससे तुम अपनी बहन को खाना दो, अपने पैरों पर खड़े होकर जीना सीखो। अब तक इस तरह किसी ने नहीं समझाया बहन जी। बहन जी नहीं, दीदी कहो। जाओ तुम्हारे जन्मदिन पर हम सब पूजा करवा रहे हैं, तुम अब तक कहाँ थी बेटी? वेद पाठशाला में होकर आई हूँ दादाजी। दीर्घ सौभाग्यवती भव। स्वामी जी आज्ञा दीजिए। अच्छा, बेटी स्वामी जी से आशीर्वाद लो। दीर्घ आयुष्मान भव। कौन सा जन्मदिन है बेटी? 22वां जन्मदिन। स्वामी आप ये मैं कलह प्रिय कहलाता हूँ, क्या मुझे नहीं पहचाना देवेंद्र? क्षमा करें महर्षि, किसी भी युग में आपको दाढ़ी के साथ नहीं देखा, ऐसे देखकर कोई भी आपको वैराग्य भिक्षु समझ बैठेगा। वैसे इस दाढ़ी का प्रयोजन ज्ञान बढ़ाने के लिए तपस्या की तो दाढ़ी बढ़ गई, परेशानी नहीं होती और अलग सी दिखती है इसलिए रख ली। क्यों अच्छी नहीं लगी? वाह वाह, कुछ तो बढ़ गई है ना, खुशी हुई। बृहस्पति जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, वैसे ताड़ का फल जैसे अचानक टपक पड़ता है आप टपक पड़े हैं, मेरा सिंहासन संकट में तो नहीं है ना? यानी आपको लगता है कि मैं आग लगा के तमाशा देखने आया हूँ? मैं तो सुनिश्चित कर रहा था, महर्षि बहुत समय बाद पधारे हैं, कोई विशेष बात? वहाँ आपके मित्र यमलोक के अधिपति पापियों को दंड देते देते थक कर कुंचित कुंठित और हीन स्थिति में है, इतने अधिक कि स्वयं अपनी गदा भी नहीं उठा पाते। कदाचित गदा थकान है बेचारे। वहाँ पाप करने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है, कार्यभार नहीं संभलता, इसलिए एक निर्णय लिया है। कोई अच्छा निर्णय है क्या? आपको डुबोने वाला निर्णय है। वो यमराज त्रिमूर्तियों से मिलकर कहने वाले हैं कि अनेक हजार करोड़ सालों से नरक में होने के कारण स्थल बदलाव आवश्यक है, इसलिए उनको स्वर्ग और आपको नरक। नहीं, वो आदमी से नीच निकृष्ट यम पदवी मुझे नहीं चाहिए, मैं ये सिंहासन नहीं छोड़ूंगा, नहीं मतलब नहीं छोड़ूंगा। आप चाहें तो सिंहासन साथ ले जा सकते हैं,
भूलोक में भी कई राजनीतिक नेता आपकी तरह कुर्सी पकड़कर छोड़ते ही नहीं है। वो आपको नरक में मिलेंगे। मुनीन्द्र, अब मैं क्या करूं बताइए? जाकर उन त्रिमूर्तियों के पांव पकड़ूं? आपकी आदत अभी छूटी नहीं, इससे कोई लाभ नहीं होगा। आइए बताता हूं। आप कहां चले? आप रुकिए, आप चलिए। नारद मुनि, ये कैसा शोर है? यमराज का हल्ला, ये तो राय जितना है। हम जो देखेंगे वो पहाड़ जितना है। बस कीजिए, चलिए। वो यहां आकर भी यही काम कर रही है। आगे बढ़िए। नारायण नारायण। यमराज, हम हैं यम। ये रहा पानी। आ रहा हूँ स्वामी, जल ला रहा हूँ, जरा प्रतीक्षा कीजिए, पीजिए। ये पंखा चलाने वाले वेतन ना मिलने के कारण काम पर नहीं आए। अब गदा की क्या आवश्यकता है स्वामी? दीपालक है, नरक लोक के परिपालक है, हम हैं यम। संभाल कर उतरिए स्वामी, थोड़ा संभाल कर। बेचारे यमराज विचित्र गुप्त की सहायता से उतर रहे हैं। गलत है, वो दोनों एक दूसरे की सहायता लेकर उतर रहे हैं। ऐसे अनुचित समय पर ये नारद और देवराज इंद्र किस लिए आए हैं? परम मित्र देवेंद्र, स्वागत है। नारद महर्षि, सुस्वागत। नारायण, तुम्हारे दर्शन के काफी समय बीत गया है मित्र। कैसे हुआ करते थे, कैसे हो गए? उनको हाल ही में रक्तदाब और मधुमेह रोग हुआ है, उसी कारण आजकल गदा उठाना बहुत ही कष्टदायी हो गया है। रक्तदाब। ओ विचित्रगुप्त स्वामी, ये सब काम तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे भ्राता चित्रगुप्त कहाँ है? मानसिक चिंता के कारण 71 युगों से छुट्टी लिए हुए है। देखिए घुसकर विश्राम कर रहे हैं। क्या है इसमें? मेढक? मेढक नहीं स्वामी, मेरे भ्राता श्री हैं। आप दोनों को वे प्रणाम कह रहे हैं। देवेंद्र जी को और नारद महर्षि को मेरा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप गदा उठाने में भी असमर्थ हो चुके हैं, फिर भी आपका परिश्रम देखकर मेरा मन दुखी हो रहा है। दुखी होने मात्र से कोई लाभ नहीं है मेरे मित्र इंद्र। पापियों के लिए नरक बना हुआ ये लोक हमें भी अब नरक जैसा ही लगने लगा है। फिर भी आपको चिंता किस बात की है यमराज? आपके कुमारों को पद सौंप कर आप विश्रांति ले लीजिए। हाँ हाँ, हमारी भी कुछ ऐसी ही योजना थी, पर उन्होंने कहा कि ये चाकरी हमसे नहीं होगी और जाकर शिवगणों में शामिल हो गए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हाँ, मेरा पोता युवधर्मा बहुत प्रतिभाशाली है, योग्य है, का पट्टाभिषेक करने का निश्चय किया है। इतनी छोटी सी उम्र में ये कार्यभार संभाल पाएगा वो? उसके दाएं हाथ की तरह हमारे चित्रगुप्त का पोता गुप्ता है, उसकी मदद के लिए। वे दोनों हम उम्र भी हैं और अच्छे मित्र भी हैं स्वामी। एक ही शब्द में कहना है तो वे दोनों कार्य कामुक हैं। तो वो दोनों हमारे ही तरह हैं। आपके जितने कामुक नहीं। चित्रगुप्त, आइए आपको मिलवाता हूँ उनसे। इधर चलिए। हाँ इधर आइए। मित्र,
हमसे गदा नहीं उठती है। रंभा उर्वशी मेनका को ये पता नहीं चलने पाए, ये रहस्य हमारे बीच रहने दो, उनको पता चल गया तो अवहेलना करेंगी। ये भी कोई कहने की बात है मित्र, आपका मान तो हमारा मान। हाँ क्यों नहीं, चलो अब बच्चों से मिलते हैं। यमराज ये रसिक है, आप भी कोई कम थोड़े ही है। नारायण नारायण। नारद महामुनि को हमारा प्रणाम। मेरा भी। चिरंजीव चिरंजीव, सुखी भाव सुखी भाव। अब काहे का सुख, बीच में आप जो आ गए। आया हूँ तभी तो बात समझ में आई, अभी तक तो योग हो या भोग हो सब कुछ इंद्र ही करते थे, मगर तुम दोनों तो उन कांता मणियों से भी आगे निकल गए हैं। अमृत अधरों तक पहुँचने से पहले ही छूट गया। इस समय के लिए छूट गई तो क्या हुआ, मगर वो सुंदर बालाएं तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगी। वैसे झूठे फल खाने की आदत तुम लोगों के घर में तो नहीं है, फिर तुम्हें कैसे लग गई? आप ठहरे सन्यासी, पर हम तो युवक भी हैं और ऊपर से रसिक भी हैं। आपका ये श्रृंगार कहीं हद से बढ़कर समर तक ना पहुंच जाए, ये ध्यान रखना। रंभा उर्वशी मेनका की संतानों को तुम अपने अंतःपुर में लाते हो और उनके साथ साथ नृत्य गान करते हो, यदि ये इंद्र को पता चल गया तो अवश्य कलह होगी। इंद्र के साथ समर। कलह भोज तो आप हैं, आपके यहाँ रहते, इंद्र को इस बात का कैसे पता चलेगा? यदि मैं कलह करवाने वाला ही हूँ तो तुम्हारे बारे में इंद्र को बताऊंगा, या ये बताने आऊंगा कि इंद्र तुम्हारे यमलोक लोक में आ रहे हैं। मित्र गुप्ता, हाँ? ये सब यहाँ क्या हो रहा है? कुछ तो हो ही रहा है मित्र। वो तो हमें भी पता है, चलो देखते हैं। रुक जाओ, इसे क्यों मार रही हो? प्रभु, ये मोटी जब से आई है पागलों की तरह मार रही है, नीचे गिरा के कुचलती है, छाती पे लात मारती है, बुरी बुरी गाली देती है। प्रभु, इस बेचारे को इतनी बुरी तरह मार क्यों रही हो? गलत बात। मारू नहीं तो क्या करूँ, मैं 6 साल से बिना एपिसोड छोड़े सीरियल देख रही थी, रुके नहीं चले नहीं, बहुत अच्छा था, और ये काला मोटा भैंसा मुझे यहाँ ले आया। अरे मित्र, देवेंद्र जी के साथ दादाजी भी पधार रहे हैं। उठिए, शुरू हो जाओ। प्रभु, ये स्त्री टीवी सीरियल्स देखती थी, अपने पति को खाना भी नहीं देती थी, वो बेचारा दुबला पतला होकर पगला गया, इसीलिए इसे दंड मिलना चाहिए। गलती इसकी नहीं है, वो निर्देशक और निर्माता की है, वो भी नरक में ही आएंगे, तब उन्हें भी दंड देंगे। हाँ। कैंकर, प्रभु, सीरियल के मुंह में पड़ के पति को भोजन नहीं दिया, इस पाप के लिए इसे घास खिलाई जाए। गुलगुला, इस मोटी के लिए इतनी घास कहाँ से लाऊं प्रभु? धर्मो रक्षित रक्षित सत्यमेव जयते। धर्म। दादाजी आप, वाह कुमारो वाह, पूजनियों को हमारा प्रणाम। पूजनियों को प्रणाम। कुमार, आपकी न्यायप्रियता और समझ को देखा है हमने, धर्म रक्षण के बारे में दादा से भी आगे हो। अनुभव के बिना मैं कहां, और सारे पापियों को दंड देने वाले दादाजी कहां? आप भी यही हैं, वो भी यही हैं। क्या
क्या है नारद, ये हड़ताल का शोर क्यों? कान के पर्दे फट जाएंगे, उस तरफ करके बजा लो। देखने में तो बालक जैसे लगते हो, सच्चे मोती और कांच की गोटी में अंतर न जानने वाले इस उम्र में। मोती के बारे में तो जानते हैं, पर गोटी माने? बाद में पता चल जाएगा बच्चे। ये केवल मुंहफट ही नहीं, नटखट भी है। बिल्कुल सच कहा। ये तो आपका प्रेम है। एक बात बताइए देवेंद्र, चमचम चमकने वाला आपका ये वज्रास्त्र इतना फीका क्यों पड़ गया? ये कब का वज्रास्त्र है, अब इसका तेज कम हो गया है, कभी उपयोग करने की जरूरत पड़ गई तो रगड़ रगड़ के कमर टूट जाती है। अब तो पीठ खुजाने के लायक भी नहीं रहा। नारद, युवधर्मा, जल्दी ही हम तुम्हें यमपुरी का सिंहासन देने वाले हैं। थोड़ा अनुभव प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहे हैं। भूलोक में एक जीव की आयु समाप्त होने वाली है। देवाशय से जन्म लेने के कारण वो जीव एक महान पुण्यात्मा है। ऐसी पुण्यात्मा के प्राण हर कर लाने के लिए साधारण किंकर को भेजने की परंपरा नहीं है, इसलिए ये जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। भूलोक हमारे लिए नया है दादाजी। भ्राता श्री, भूलोक में जाने का अनुभव मुझे तो है। पोतों के साथ यदि मैं भी चला गया तो उनका सहारा बन के उचित सलाह दूंगा। अब ये किस लिए? गत काल में मेरे साथ आके मुझे जो कष्ट दिए वो कम थे क्या? अब इन बच्चों को परेशान करोगे? जाने दीजिए ना, बुजुर्ग बार उतावले हो रहे हैं। ठीक है, तुम भी जाओ। भ्राता श्री, गुलगुला। सुनो पोते, इस पेटी को संभाल कर अपने पास ही रखना। जो आ गया। हमें आशीर्वाद दीजिए। विजयोस्तु। गंगा जी, आज स्पेशल क्या है? आज सब कुछ स्पेशल है बाबूजी। अरे खाना खाते वक्त क्या पढ़ रहे हो? पिताजी हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, इस खाने में कितने प्रोटीन्स हैं, कितने कैलोरीज हैं, कितने विटामिन्स हैं, ये जानकर खाना जरूरी है क्योंकि। बस चुप कीजिए बाबूजी, इनके मुंह लग गए तो आज खाना खा चुके। पहले आप खाना खाइए और आप किताब खाइए। बेटी पार्वती, ऐश्वर्या कहाँ है? दादाजी, तूने मेहंदी क्यों लगा ली? खाने के बाद लगानी थी ना। खाना कैसे खाएगी? मेरे हाथ से खाना है क्या? मुझे खिलाने के लिए यहाँ इतने सारे हाथ हैं। पहला निवाला दादा के हाथ से। हमारे आंखों के तारे को पापा का निवाला। गंगा तू भी खिला। मैं भी? कहा ना खिला। ठीक है बेबी, सही ना। ए जी, पास आओ ना। बोलो ना। तिरोगे क्या? पता है इस गरुड़ पुराण की पुस्तक में यमराज के पृथ्वी पर आते समय होने वाले चमत्कारों के बारे में लिखा है। परसों आधा पढ़ा था, बाकी अभी पढ़ूंगा। क्या पढ़ोगे? यमराज के बारे में। यमराज नहीं, तुम ही मेरे लिए यमराज बन गए हो। ये रद्दी पुस्तक बाहर जाके पढ़ो। रात को भी घर वाले की इज्जत नहीं है। पति की रिस्पेक्ट। बच्चे जाग जाएंगे। बच्चे जाग जाएंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है? मोगरे का गजरा लगा के कब से बुला रही है? गजरा लगा के तुम कुछ बदल सी गई हो। छोड़ो ना, बाप रे। श्री गरुड़ पुराण, यमराज के पृथ्वी पर आते समय प्रकृति में हलचल मचने लगती है, दूर से सियारों की भयानक चीखें सुनाई देती हैं। बहुत ही तेज भीषण हवाएं चलती हैं। प्रेत आत्माएं जैसे फूंक रही हो, धूल और मिट्टी उड़ती है, आकाश में गर्जन, बिजली का कड़कना, ऐसे जब प्रकृति विभत्स होती है, यमराज पृथ्वी पर कदम रखते हैं। मित्र गुप्ता, ये क्या है? गरुड़ पुराण हमारे लोग से ही संबंधित है। बहुत अच्छे, इसके बारे में मानव जान ले तो अच्छा ही है। कितने बड़े पैरों के निशान है। आ, 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 आ,
जब चाहो तब हाथ लगाओगे तो हाथ तोड़ दूंगी। सजा। ये तो मैंने ऐसे ही रखा था। अरे बाप रे। गुप्ता बोलो मित्र, हम जिसके प्राण हरने आए हैं वो कौन है तुरंत पता करके बताओ। हाँ अवश्य, दादाजी को पूछते हैं। दादाजी, मित्र को किस पुण्य जीवी पर यमपाश का प्रयोग कहें? वो तो जल्दबाजी में आप दोनों दो घड़ी पहले ही आ गए हैं। हाँ हाँ, दो घड़ी ही ना। हमारे लोग की दो घड़ी इस लोग के काल मान अनुसार दो दिन है। तो क्या हुआ? उस जीव को मृत्यु प्राप्त होने की आखिरी घड़ी निकट आने तक हम आपको बता नहीं सकते। तो तब तक हमारा कर्तव्य? मित्री, हम उन अप्सराओं की बार बार याद आ रही है मुझे, जाके उनको एक बार देखाएं क्या? लड़कपन की ये चपलता छोड़ो, वैसे भी भूलोक में आ ही चुके हो, पापात्माओं के लिए प्रसिद्ध। हमारे लोक में अधिक पापियों को भेजने वाला देश है ये, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जाओ जानकारी लो। अच्छा सुझाव है दादा, हमें जो पता नहीं वो बताने के लिए आप साथ है ना? चलो गुप्ता। वाह, क्या ये भवन निर्माण है? जैसे चार पाई उल्टी है और पाई ऊपर है। हाँ मित्र, इसे चार मीनार कहते हैं। ऐसा क्या? ओ माँ, क्या हुआ मित्र गुप्ता? चार मीनार की एक मीनार चुभ गई मित्री। हम हर चीज में उंगली क्यों डालते हैं? चलो। वाह रे वाह, क्या ये एकत्रित भवन समुदाय है? इन्हें मानव बड़े प्यार से हाईटेक सिटी कहते हैं। इसका क्या महत्व है दादा? कई सौ आदमियों का काम कंप्यूटर नामक एक यंत्र से करवाते हैं। हमारे लोक में भी कंप्यूटर का उपयोग होना चाहिए, जरा सोचो मित्र। हाँ सोचता हूँ, किंतु तब अपने लोग भी हड़ताल। कितना सुंदर सरोवर है, बहुत अच्छा दिखता है। इसे देखकर मेरी जल क्रीड़ा करने की इच्छा हो रही है मित्र गुप्ता। नहीं नहीं, यहाँ जल क्रीड़ा करने से खाज लग जाएगी, खुजली हो जाएगी। ओ, ओ, मित्र हम वहाँ देखो। वो तो ठीक है पोतो, तुम लोग ये भारी काया छोड़कर साधारण मानव बन जाओ तो अच्छा रहेगा, तुम और भी अजूबे देख सकोगे। जो आ गया दादा। सब कुछ कितना अजीब सा लगता है। बिल्कुल सच कहा मित्र। अब इनको भी सुनो। बोलो दादा। इन साधारण मानवों की चाल पर इतना आश्चर्य, अब एक महान चाल दिखाता हूँ देखो। यदि हम ऐसी चाल चलेंगे तो लोग हमें देखकर हंसेंगे। तो फिर मैं तुम लोगों को एक अत्यंत लोकप्रिय महान कलाकार की चाल दिखाता हूँ। ये कैसी आवाज है, कहाँ से आई ये? मुंह से और कहाँ से, अब कैसे निकली ये पता नहीं। अब जो भी हो सुनो, ये हमसे नहीं होगा, जो होगा हम स्वयं देख लेंगे। अब चलो मित्र। हाँ ठीक कहा तुमने मित्र। भूलोक भी वैसे अच्छा ही है मित्र। हाँ इतना जन समूह किस। क्या हुआ है इसे? कल तक इधर उधर काम करके जी रही थी, समय हो गया चली गई। पर ये बच्चा? बड़ों के पापों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है, खुद तो दुनिया से मुक्त हो गई और बच्चे को छोड़ गई मरने के लिए। आप में से किसी में कोई मानवता नहीं है जो इस अनाथ बच्चे को अपना सके? नंदू जरा गाड़ी रोको। क्या हुआ यहाँ?
अरे रे 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 रे। ए लड़की, उस बच्चे को छूना मत, तुमसे ही कह रहा हूँ। क्यों? उस औरत को एड्स हुआ था, छूने से अपनी जान को खतरा है। क्या उसके साथ ये बच्चा भी मर जाए? ये नन्हा सा बच्चा कब से रो रहा है? इतने सारे लोगों में से एक का दिल भी नहीं पिघला? यानी उस बच्चे को उठा के हम अपनी जान खतरे में डालें? वैसे भी शाम तक वो भूख के मारे मर जाएगा। शास्त्री जी, हर दिन हम जो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, सिर्फ उससे भगवान खुश नहीं होते, मानव सेवा ही माधव सेवा होती। अगर इसका मतलब नहीं समझते हो तो जितनी भी पूजा करो व्यर्थ है। हेलो पुलिस स्टेशन, ठीक है, कोई पुण्यात्मा है, नए जूते रख के गया है, उसे भगवान का आशीर्वाद जरूर मिले बापू। मित्र गुप्ता, ये भूलोक में रहने वाले मानव गणपति से लेकर बालाजी सबकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, वृक्ष की, वाल्मीकि की और गायों की भी पूजा करते हैं। सही कहा। इतनों को पूजने वाले मानव हमारी पूजा क्यों नहीं करते, हमारे मंदिर क्यों नहीं बनाते? मित्र, हम वो उनकी इच्छा पूरी करते हैं जबकि आप उनके प्राण हर लेते हैं। हम यम हैं। मित्र गुप्ता, पेट में चूहे जैसे दौड़ रहे हैं। अरे वो ना चूहे है ना बिल्ली है, इसे भूख कहते हैं। तो क्या इस लोक में भूख हमारा भी पीछा नहीं छोड़ेगी? हे कैलाश नाथ, हम पे कृपा करो तात। हमारी भूख मिटाने के लिए प्रसाद भेज दिया उन्होंने। हाँ, कैसा आश्चर्य है, इस भूलोक में आपके दर्शन, हमें बहुत आनंद हो रहा है। मुझे भी, गर्मियों में तरबूज खाने जितना आनंद हो रहा है स्वामी। हनुमान, आपकी पूछ कहाँ है? ड्रामा कंपनी वालों को पैसा नहीं भरा तो उनके साथ चली गई। जाती है तो जाने दो, पूछ तो आपके लिए तिनके के समान है। कौन हो तुम? श्री राम, आपने हमें नहीं पहचाना? मैं युव यमराज। और मैं हूँ चित्रगुप्त। चित्रगुप्त हो? कौन सी कंपनी से है? वैसे तो हम शिव भक्त होने का नाटक करते हैं, पर असल में हम दोनों आप ही के भक्त है स्वामी। 30 साल का एक्सपीरियंस है भाई, ऐसे नाटक कर करके ऐसी हालत में पहुंचे हैं। वैसे कहाँ के हो तुम? यमपुरी के स्वामी। यमपुरी हो या पानीपुरी हो, ये एरिया हमारा है। 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट है बच्चे, चलो चलते बना। मित्रियम, ये हमारे राम हनुमान नहीं है, बहरूपिये हैं। जा जाते हो या मेरे गदा से मार खाओगे? हम यम हैं। मित्रियम, शांति शांति, अल्प मानव पर क्रोध उचित नहीं। देख क्या रहे हो, निकालो इन्हें। चला निकला, निकला यहाँ से, चला। ये क्या है, कुकुर की तरह सोने को सूंघ रहा है। क्या है मानव, क्या सूंघ रहे हो? सोने का शोरूम है या फिर सोने का कारखाना? देश भर का अखा सोना तेरे बदन पर है, कहाँ से आ रहा है भिड़ू? ऊपर से। इस लोक के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता और बहुत भूख भी लगी है। मुझे भी। अरे बापरे, भूख लगा है क्या? इन उंगलियों में से एक भी अंगूठी टपका लूं तो साल भर की ऐश हो जाएगी। ए बड़े भाई, कोपचे में आना, पेट पूजा कराता है। ला। ओहो, देखने में बहुत विचित्र है ये जल पूरी। अरे भाई लोग, फेंक क्यों दिया? पानी का सेवन किया और पात्र को फेंक दिया। उसे भी पेट में ठूसने का। ये ले पकड़, चल अपना नमूना दिखाता है। या इसका। मित्रियम, जैसे तीर्थ और प्रसाद का एक साथ सेवन किया। जल पूरी दाता सुखी भव, सुखी भव, सुखी भव, सुखी भव। कहाँ चल दिए? बिल देके तो जाओ भाई। बिल यानी क्या? बेड़ो, खाने के बाद माल पानी देना पड़ता है ना। यानी धन। गुप्ता, मित्रियम, दादा धन दीजिए। ₹1,000। 50 रुपए के बिल के लिए इतना बड़ा नोट? छोटा नोट दो ना भाई। छोटा चाहिए। ठीक है।
दादा छोटा नोट छोटा सुखी भवा सुखी भवा मेरी तरफ से आश्रम नहीं डैडी ऑफिस आ रही हूँ जी अच्छा नंदू घड़ी रोक एक रुपया दीजिए ना मैडम माई भगवान के नाम से दीजिए क्यों रे फिर से भीख मांग रहे हो तुम सुधर गए ये सोचकर खुश हो रही थी क्यों क्यों कमा कर खाना बहुत मुश्किल है क्या उस दिन मेहनत करने के बड़े बड़े वादे किए थे ना तुमने बोलते क्यों नहीं हाँ माँ क्या हुआ आपने जो कहा था वही काम कर रहा था मैं लेकिन मेरे बॉस ने मुझे मार के कहा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा तो मेरी बहन को मार डालेगा तुम ऑफिस जाओ कौन है वो आज का ये कपूर सिंह ही कल का कपूर सिंह है आज के ये बच्चे ही कल के सामा है माय बाप बाबूजी सेठ जी भगवान के नाम पे दे दीजिए भगवान आपका भला करेगा ऐसे भीख मांगने वाले तुम लोग कल इस देश के होने वाले नेता हो अब हमारी भीख की पाठशाला का पहला पाठ अपना गंजा एक आइटम लेके आए भीख मांगने गया था खाली हाथ क्यों आया तू ये लड़की कौन है हमारी संस्था पे तरस खा के चेक देने आई है क्या यहाँ चेक देने के लिए नहीं जेल भिजवा के हाथ में कटोरा देने के लिए आई हूँ ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है बेटर क्या है बोलो अनाथ बच्चों को भिखारी बना के उनके लाए हुए पैसे से खाने में शर्म नहीं आती तुम्हें रोकरों को चोरों को व्यापारियों को शर्म नहीं तो हमें किस बात की शर्म सीख देना बंद करो और यहाँ से 9-11 हो जाओ यहाँ से सिर्फ मैं अकेली नहीं इन सब बच्चों को लेकर जाऊंगी आहा टीचर के आने पर जैसे बच्चों को भेज देते हैं ना ऐसे तेरे पीछे भेजने के लिए ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ मैंने तूने जब देखा था तब ये सिर्फ भिखारी थे अब मैं इनको लोगों की जेब काटना सिखाऊंगा ये मत सोचो कि मैं तब तक तुम्हें यही छोड़ूंगी अभी फोन करके तुम्हें अंदर करवाती हूँ कहती है कि हमें अंदर करवाएगी अगर हम इसी को अंदर डाल दे तो कैसा रहेगा अच्छा रहेगा। ले जाओ इसे चल अंदर अरे रे 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 बहुत अच्छी लड़की लाया रहे तू इसे भी ले जाओ ले जाओ ए, चल रहे तू भी चल अंदर तो बच्चों अब पाठशाला का दूसरा पाठ आठ आग से लाचार हूँ दाता दया करो माय बाप अरे बास मार रहा है गन की अगरबत्ती बुझ गई कोई जलाओ रे लंबा फल है ए देख क्या हुआ मित्र मित्र वो फल नहीं दे रहा तुम आजकल बालकों सा व्यवहार कर रहे हो वो क्या है वो बालक इतना शोर क्यों मचा रहे हैं शोर और नहीं है बेड़ू क्रिकेट खेल रहे हैं क्रिकेट ये क्या है देखने से पता चलता है ना मित्र उस छोटे डंडे से उस गोले को वो मारता है और ये दौड़ लगाता है ओहो अरे तू तो कितना शाना रे एकदम सही बोले ना बिड़ू ये क्या वो बच्चा उंगली ऊपर क्यों दिखा रहा है ऊपर नरक है ना धोखा मत देना कह के चेतावनी दे रहा है ये क्रीड़ा बहुत अच्छी लग रही है कुछ देर हम भी क्रीड़ा करेंगे चलिए बालक उसे रगड़ो मत हमें दो ए छोटे बैठ लाना इधर ये लो भैया ये लो बॉस प्रभु ये लीजिए अंकल सिक्सर मारिए ना अरे ये सचिन थोड़ी है सिंगल लेगा ना तो भी बहुत हो गया क्या कहा भयंकर संग्राम के लिए तैयार हैं ये अरे सिंगल क्या उसके बाप को भी मारेंगे मित्र यम टूट पड़ो हम यम हैं पूछ लिए क्या अंकल अपने खुद के रगड़िए ना अंकल ऐसे नहीं पकड़ते पकड़ना मुख्य नहीं बालक मारना मुख्य है मित्र तुम फेंको रुक जाओ हाँ?
ये लो देखा यम का जोर। क्या जोर का मारे लाए गुरु, वर्ल्ड कप में सचिन और द्रविड़ के बदले आप दोनों को भेजना मांगता था तो आज वर्ल्ड कप अपुन के पास होता और 2020 में आप ही चौपन करता। हम यम हैं। सच कह रहा हूँ गुरु, अपुन के देश का नाम तो होता ही छोटा, आपके साथ 10 बार राइड अपुन भी कर लेता। साला ये कड़की तो दूर होती। मित्र यम, ऊपर जाने के बाद ये खेल वहाँ खिलवाए तो ठीक कहा तुमने, इंद्रलोक और यमलोक के बीच स्पर्धा। वाह गुरु भाई, इंद्र मैच फिक्सिंग कर सकता है, बहुत झोलू है। यानी आज छोड़िए भी, चलिए कल्टी मारते हैं, इंद्रलोक और यमलोक में मैच करवाएंगे। पब्स में ड्रग्स बेचते हो? SI वैजयंती। अरे चलो ना। गुप्ता, इस समय ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मित्रियम, नृत्य करने वाली वो बाला अब भी मेरे दिल में हल्ला मचा रही है। गुलगुली गुदगुदी कर रही है। वो तो है, हमारे लोक में ही नहीं इस भूलोक में भी रंभा आदि से बढ़कर सुंदरियां हैं, ये पता चल गया। हैदराबाद आधी रात के नजारे, इस नाम की किताब लिखना और वो दिखाने के लिए रात भर इस गाड़ी में बिठाकर मुझे घुमाते रहना, मेरी तो मौत आई है। उतरो। क्या किस्मत है। वाव, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन। ऐसे ही सुंदर वातावरण के लिए मेरा कवि हृदय हमेशा ललायत रहता है। बस बस रहने दो, चलो। जगाज, सोने का कहीं से स्मेल आ रहा है बिड़ू? ये कौन है, यहाँ क्यों आ रहा है? है क्या करते हैं? क्या बात है हाँ? बोलो। सॉरी आंटी। आंटी का? अरे आंटी नहीं तो क्या, दादी बुलाऊं, चाची बुलाऊं, आइटम बुलाऊं क्या तुझको? दिमाग का दही मत कर, निकल चल। देना क्या है, कराटे टाइप में खींच के लगाऊंगा। अरे मामू, तेरे को कराटा आता है क्या? आता है बोले तो, कल ही किताब खरीदी, अभी पढ़ी नहीं है। अरे मामू, बेगर में टाइम खोटी कर दिया, चल निकल। नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? अरे अरे आप देख क्या रहे, खींच रहे इसके बाल मूछ दाढ़ी। वो क्या खींचेगा अपुन की दाढ़ी? अरे देख क्या रहे, अभी अपुन खींचता है तेरी व्हाइट कलर फुल साड़ी। कुछ करते क्यों नहीं है? रुक जा, तेरी तो ऊपर वाला बचाएगा। चोर कहीं के मेरी साड़ी छोड़ दे। पहले आप उनको वो चैन दे। नहीं नहीं, तो फिर साड़ी पकड़। छोड़ो मेरी साड़ी, छोड़ दो। मित्रियम, कोई यमा यमा करके तुम्हें बुला रहा है? यमा यमा नहीं मित्र, हेमा हेमा कह के सहायता मांग रहा है। छोड़ो मेरी साड़ी। अरे ये तो वही है, मद्यपान कर स्त्री की मान मर्यादा को भंग कर रहा है। यह घोर पाप है, स्त्री का मान ही मुख्य है। हाँ हाँ, अब तो उसके लिए हम ही मुख्य हैं। देना क्या, टाइम पास करे लिए। तो अब हमारा कर्तव्य क्या है? श्री कृष्ण भगवान ने जो किया था हम भी वही करेंगे। ये कब पहनी मैंने? ये क्या, साड़ी की पूरी दुकान पहने लिए? फिर भी नहीं छोड़ेगा। अरे वाह, कितनी अच्छी है। एक और साड़ी, बनारसी साड़ी, कितनी अच्छी है। इसने इतनी साड़ियाँ कब पहनी? शिफॉन साड़ी, हाँ खींचो खींचो, हाँ खींचो जोर से खींचो। खींचो भैया खींचो। मेरा पति भी किसी काम कर रही है, कभी एक साड़ी भी खरीद के नहीं लाके देता, हमेशा किताब पढ़ते रहता है। बाबा रे, कितनी बड़ी साड़ी है। रुक क्यों गए, क्या हुआ, क्या बात है? हम यम हैं।
हम गुप्ता हैं। हाँ सही कह रहे हो। क्या हुआ बाबू, थक गए क्या? दुख रहा है। अरे कौन है वहाँ, साड़ी क्यों खींच रहा है? अरे रुक, अरे भाग रहे हो, अरे रुक जाओ, क्यों भाग रहे हो? हाँ चला गया। अजी सुनिए, यहाँ आइए, सारी साड़ियाँ डिक्के में डाल दीजिए। साड़ियाँ कहाँ से आई? ये उस चोर का कमाल है, साड़ियाँ खींचने लगा तो आते ही गई, आते ही गई। आई तो वस्त्र। गुप्ता, इस लोक में हमने जो किया जो देखा काफी है। वो जीव यदि कौन है हम जान लें तो काम समाप्त करके चले जाएंगे। हाँ हाँ, गंधर्व कांताएं हमारे लिए प्रतीक्षा कर रही होंगी। Help me, please. ये नन्हा सा बच्चा कब से रो रहा है? इतने सारे लोगों में से एक का दिल भी नहीं पिघला। Help me, please. कुछ कीजिए ना। ए छोकरी इधर आ। कौन हो तुम? ये सब क्या है अबला पर एक जघन्य कांड? कांड नहीं, मस्ती चढ़ी है। बाश और गेटअप बढ़िया है, नाटक नहीं मिला तो रोड पे आ गए। जाओ घर में जाकर नाटक करो, चले। ए, हम यम हैं। यम और चित्रगुप्त गेस्ट आर्टिस्ट होते हैं, हीरो नहीं। फाइट क्या खाक करोगे? तो उस चलचित्र में, इसमें हम दोनों हीरो ही हैं। एक हाथ पड़ गया ना तो पता चल जाएगा हीरो हो या जीरो। अरे मूर्ख, कहेंगे हम कोई जिद करेगा? तुझे अभी झुका के, सर पर मार के, टांग अड़ा के, नीचे गिरा के, लकड़ियों जैसे बांध के, कमर तोड़ के यहीं पर धूल चटवाऊंगा। सुना भाई, गाली दे रहा है भाई। तो फिर उसको उड़ा दूंगा। तेरे को तो फिर देख लेंगे। आ जा, आगे बढ़ो मित्र गुप्ता। पहले तुम शुरू करो। देवी, मेरा नाम ऐश्वर्या है। आप वहाँ विश्राम कीजिए, इन दुष्टों को हम देख लेंगे। कदम आ जा रे, आ जा। इनकी हड्डियाँ तोड़ दो मित्र। गुला गुला। मित्रियम, बोलो मित्र क्या हुआ? तब का तुम्हारा मारा हुआ गोला त्रिलोक में घूम के अब लौटा है। ऐसा क्या, अब वो क्रीड़ा यहाँ पर करेंगे? ठीक कहा तुमने, क्रीड़ा करके बुराई को मारेंगे। वो तो अवश्य करेंगे, पर उसके लिए और खिलाड़ियों की आवश्यकता है। गोलगोला गोलगोला, यहाँ कैसे आना हुआ? प्रभु, चार मीनार के पास बम फटा है, बहुत लोग मर गए हैं। हम वहाँ जा रहे थे, आपको देखा तो रुक गए। ऐसा क्या, वैसे हर बार प्राण हरने का ही काम क्यों? अब की बार उन्हें छोड़ दो और हमारे साथ इस क्रीड़ा का आनंद लो। क्या कहते हो नाटक अंकल? मित्र गुप्ता, हमारे खिलाड़ी बहुत उत्साह में हैं। एक एक को गोले की तरफ फेंको। मित्रयम, उंगली दिखाने के लिए भी तो कोई चाहिए। हाँ क्यों नहीं, तो फिर किसको बुलाए? गुलगुला। मित्रयम, अब से इस क्रीड़ा का पर्यवेक्षक यही है। क्या सिक्स 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 सिक्स? फोर 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 फोर। बढ़िया। गुलगुला
ये क्या है? अगर आप चाहें मित्र यम थर्ड अंपायर It's gone. जाई तुसु। हाँ, मित्र माँ, तुसु तुसु। तुसा। ऐश्वर्या। ऐश्वर्या? ऐशु? अरे बेटे तुम यहाँ कैसे? वो गुंडे मेरे पीछे पड़े थे। गुंडे? गाड़ी में बैठो। दो आदमी मेरे लिए उन गुंडे के साथ ये मुझसे बाद में बात करेंगे। चलो पहले गाड़ी में बैठो। बैठ जाओ, जल्दी चलाइए। जाने दो, पहले तुम लोगों को यम पुरानो रंडी रहा। डरपोक कहीं के मेरे चंड प्रचंड बाहुबल से अति भयभीत होकर पलायन कर रहे हो? नाट्य सुंदरी, क्यों बे ऐसे क्या देख रहा है? हाँ, वो जो भाग गए हैं ना, तेरी मार से नहीं, मुझे देख के। एसआई वैजयंती, आपको हमारा आशीर्वाद है। ए, बताइए क्या है? इसे मारने, पीटने, भोंकने, धुलाई करने में उपयोग करते हैं। ए, तुझे अच्छी सी कोटिंग देने का उपयोग करेंगे हम। आए, ये छोटा गोला तो बहुत ही प्यारा है। वाह वाह, फ्रेश फील कर रहा हूँ। हाँ। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, दूं क्या एक पेट में? ए, देखने में तो बूंदी के लड्डू लग रहे हो तुम। हाँ? ऐसी उल्टी सीधे बातें मत करो, समझ गए? ए, कम बैक। उस दिन कमर लटका झटका के नाच रही थी, आज इस भेस में इधर आई हो। भेस बदलना तुम्हारे वंश की रीत है क्या सुंदरी? हाँ, हमारी रीत रिवाज क्या है पुलिस स्टेशन में पता चलेगा। चल चल, बता। इसे जल्दी अंदर ले चलो। हाँ, जल्दी चलो। अरे वो देखो, ऐश्वर्या आ गई। भैया क्या हुआ बेटी? ऐश्वर्या गई थी तुम? रात भर कहाँ थी तू? हम सबको कितनी चिंता हो रही थी। क्या हुआ पता होता तो आपकी जान निकल जाती। रुको चाची, हुआ क्या था बेटी? मगर गुंडे तेरा पीछा क्यों कर रहे थे? पीछा नहीं तो क्या करेंगे, हमेशा देशभक्ति, समाज सेवा, ये सेवा वो सेवा कह के रास्ते। सुनो, अब चुप भी करो, पहले से अंदर ले जाओ। आप मुझे को डांटिए और इसको कुछ मत कहिए। भैया, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल्स की किताब में वैजयंती को फोन करके बताना बेहतर होगा। हिल नहीं रहे, ये क्या हो गया? क्या हो गया? It's gone. ये गुड्डा इधर कैसे आया? अरे बाबा रे, ये गुड्डा क्यों मुझे देख के आंख मारता है?
तेरा नाम क्या है? गुप्ता। कहाँ से आया? ऊपर से। ओह, यानी नॉर्थ से? और भी ऊपर से। ओह, तो जरूर कश्मीरी टेररिस्ट होगा। इधर क्यों आया? किसी के प्राण लेने। किसके प्राण? वो देव रहस्य है, बताना मना है। क्या कहा? बताना मना है? क्यों? आप डर जाएंगी ना। तुझसे कैसे बुलवाना है मैं अच्छी तरह जानती। हेलो। हाँ अंकल। ऐश्वर्या। ये गुड्डा कहाँ से आया? ओहो, बॉबी का होगा शायद। क्या हुआ? पिताजी ने सब बता दिया? इतना सब हो गया तो बताए बिना कैसे रहेंगे? तुम उन लोगों को या उनकी जगह को पहचान सकोगी ना? पहचानूंगी ना। एन वक्त पर दो आदमी भगवान की तरह आए और उन गुंडों से फाइट करके मुझे बचाया। पता है मैं उन दोनों को थैंक यू भी नहीं बोल पाए। अगली बार जब मिले तब बोल देना। वो मुझे फिर से मिलेंगे क्या? अचानक आके तुम्हें बचाने का मतलब तुम्हारे बीच कोई बंधन तो जरूर होगा। तो वो मुझे मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। मैंने एक आदमी को अरेस्ट किया है, अब मैं तुम्हारे पास लेकर आ रही हूँ। अगर ये उनमें से एक है तो बाकी सब मैं संभालूंगी। अच्छा ठीक है। अम्मा ऐश्वर्या। हाँ माँ, आ रही हूँ। मुंह बंद कर, नीचे बैठ। सुनो सुंदरी। मुंह बंद करता या नहीं? चुप। क्यों ये चिड़चिड़ापन? हमें अंगूर के दानों की तरह मीठा लग रहा है। तुम्हारे ये दो नैन, मद से रसीले वो होंठ, शंख जैसा कंठ, पतली सी कमर, सांड की तरह गिर पड़े। इडियट। मैडम हमने कुछ नहीं देखा। मैडम तू अपना मुंह बंद रख, तू गाड़ी चला। क्या हुआ तुझे? मुझे? हाँ। एक क्षण पहले तो मैं ठीक था, लेकिन अब अंदर कहीं घंटी सी बजने लगी है। यू रास्कल, अभी बताती हूँ तुझे, चल। ये मेरी गलती नहीं है, इस रथ सारथी ने वाहन झट से रोका, इसलिए मैं तुम पे फट से गिर कर पड़ा। छोड़ो भी। कैसे आना हुआ? प्रभु इस नर को ले जाने का समय आ गया है, इसीलिए आए। प्रभु ऐसा वाहन हमें भी दिलवाइए ना, ऊपर नीचे आते जाते सूज गए हैं पैर। नहीं नहीं, ये बहुत खतरनाक है। युवक, हे युवक, व्हाट? इस वाहन का नाम क्या है? दिस यामाहा। यामाहा हमारे प्रभु का ही नाम है, उनका भूलोक में कितना सम्मान है। ए, क्या बकबक कर रहा है? बकबक नहीं गुणवंती, एक सत्य बताता हूँ। इस युवक की कुछ ही देर में मृत्यु होने वाली है। ए, उसके फ्यूचर का तुझे क्या करना है? तू अपने फ्यूचर के बारे में सोच। फ्यूचर यानी? देखा, देख लिया ना, यामाहा यामाहा पुकारा, प्रभु ने बुला लिया। Hey, what is this, man? Hey, come on, man. You leave me, man. Hey, leave me. Hey, move. Hey, hey, hold up, hold up. Hold up, please. Hold up.
देखा ना युवक, यमहा यमहा कहा, यम महान है, यमपुरी जा रहे हो। गुलगुला गुलगुला। अब हम यहाँ क्यों रुके, यमऊ यमहा। अभी तुरंत इन सबको वैन में बिठा के पटना पहुंचा के इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर गैंग के हाथों बेच देंगे। ले चलो इन्हें, चलो। हाँ चलो चलो। अरे नहीं नहीं नहीं, छोड़ो, अब मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। इन मासूम बच्चों को भिखारी बनाने के जुर्म के लिए तुझे मारना नहीं, मार डालना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। अरे ये बच्चे तो मेरे अपने परिवार के जैसे हैं, और तुम मुझे जेल भेज रही हो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें जिंदगी भर याद रखूंगा। छोड़ बे, तू याद रखने वाला है। अरे अरे नहीं, मारो मुझे, मारो। मैडम बोलो, भागे मैडम। कहाँ तक भागेंगे बोलो। आयशु, इन बच्चों का क्या करना है? इन्हें अनाथाश्रम लेकर जाऊंगी। तो फिर इस ढक्कन को मैं देख लूंगी। बहुत बास मारता हूँ, सह नहीं पाओगी। हाँ चल रे। गुप्ता, कहाँ चले गए थे मित्र? तुम कहीं नहीं मिले तो मेरा मन तुम्हें देखने के लिए लालायित हो गया। दिल धक धक ढोल की तरह बजने लगा, प्राण पखेरु छटपटाने लगे, फूट फूट के रोया, अश्रु जलपात की तरह बहे, जानते हो क्या? ये कुछ अधिक हो गया। शायद ये समझ गए। तुम कहाँ चले गए थे मित्रिया? सुंदर सा उसका मुखड़ा, आंखें उसकी मासूम, मैं अपने आप उसके पास चलता चला गया। प्रेम से उसने सीने से लगाया, स्वर्ग में भी ऐसी अनुभूति नहीं। शिव शिव, इस भूलोक का संक्रामक रोग तुम्हें भी लग गया है। तुम यहाँ और रहे तो पूरी तरह बिगड़ जाओगे मित्र। तुरंत ही यहाँ का काम पूरा करके लौट जाना ही बेहतर है। गुलगुला। ठीक है दादा। दादा क्या है पोते? हमें जिस जीव के प्राण हरने हैं उसे दिखाइए। कपड़े दिए हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं। सिर्फ कपड़े ही नहीं, बढ़िया भोजन, पढ़ने के लिए ढेर सारी किताबें, सब कुछ दूंगी। तुम सब अच्छी तरह से पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनना, तो फिर पढ़ाई करेंगे ना। तुम लोगों को यहाँ कोई डर नहीं, हम सब तुम्हारी माँ की तरह हैं, और तुम लोगों को भी भाइयों की तरह प्यार से रहना है। अब से इन बच्चों की जिम्मेदारी आपकी। ये भी कहने की बात है, आप जो पुण्य का काम कर रही हैं उसमें साथ देना हमारी खुशनसीबी है। वो मिठाई देना। गुप्ता, अच्छाई का अंत करना यदि अन्याय है तो ऐसे अच्छे इंसान के प्राण हरना भी न्याय नहीं कहलाएगा ना। ऐसा धर्म संदेह किस कारण हुआ? मुझे भी दो दीजिए दीदी। उन अनाथ बच्चों की, बिन माँ के अभागों की, सब कुछ बन के उनका जीवन सवार के, दया करुणा का रूप बनी इस देवी के प्राण हरना न्याय है क्या? जन्म मरण के चक्र भ्रमण में न्याय अन्याय का प्रसंग ही नहीं है, आने वाले को जाना ही है, यही श्रेष्ठ धर्म है। फूल या दीपक को कुचलना या बुझाना जितना क्रूर है, उतना ही क्रूर है इस मासूम को। धर्मा, मृत्यु के लिए सभी समान है, इसीलिए तुम समवर्ती हो। धर्म सबके लिए एक ही है, इसीलिए तुम धर्मराज हो। संदेह करना, पीछे हटना, दया दिखाना नहीं है यम धर्म। रुकना, चूक जाना, छोड़ देना नहीं करता है यमपाश। सोच में समय मत गवाओ। मैं अपनी जिम्मेदारी संभालता हूं और तुम अपना कर्तव्य निभाओ। तुमने क्या किया? उन बच्चों के प्राण भी जा सकते हैं। के लिखे अनुसार उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, केवल ऐश्वर्या की मृत्यु होगी।
धर्म राजा। देर मत करो, यह पाश फेंको। धर्मराजा यमपाश फेंको, फेंको धर्मराजा, यमपाश फेंको, यमराज यमपाश फेंको। साथ सारे देवगण और श्री महाविष्णु भी साथ आए हैं क्या? आप नहीं जानते स्वामी, धर्म परिरक्षक हैं, निष्ठा गरिष्ठ हैं, नरक लोक के परिपालक हैं, यम हैं हम, फिर भी हमें आज हार माननी पड़ी। मेरा यम पाश एक मानव प्राण को ले आने में विफल होकर लौट आया है। इस अपमान के बोध से मेरे हृदय का दहन हो रहा है। यदि मैं एक अल्प जीव के प्राण भी नहीं ले सका तो मैं असमर्थ हूँ। एक असमर्थ को सिंहासन पर बैठने का अधिकार या योग्यता नहीं, और इसीलिए मैं अपने धर्म राज के पद से हटते हुए इस मुकुट को उतार के आपके आगे रखता हूँ। रुको धर्मराज यम, आवेश में मत आओ। मेरे लिखे अनुसार आयु समाप्त होकर भी प्राण रह गए तो ये सोच का विषय है। हाँ। शिव की आज्ञा के बिना तो चींटी भी नहीं काटती। इस अनहोनी का कारण क्या है बोलो भोलेनाथ। यम धर्मराज, इसमें तुम्हारी असमर्थता नहीं है। उसके गले में जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो ही इसका कारण है। जब तक वो उसके गले में है मृत्यु उसके पास नहीं जाएगी। क्या उस रुद्राक्ष में यमपाश को भी विफल करने की शक्ति है? एक समय की बात है, मेरे एक भक्त कलप्पा की परीक्षा लेने के लिए अपनी आंखों से मैंने रक्त के अश्रु गिराए थे। वो धरती पर गिर के रुद्राक्ष बन गए। उनमें से एक एक मुखी रुद्राक्ष मेरे भक्त के घर कई पीढ़ियों से पूजा जा रहा था। वही रुद्राक्ष अब उस लड़की के गले में है जो यमपाश का विरोध कर रहा है। क्या उस युवती के गले में से रुद्राक्ष को कोई नहीं हटा सकता प्रभु? उस रुद्राक्ष को से अपने आप ही गले से उतारना होगा। यदि किसी और ने या माया जाल से उतारा तो उसे सफलता नहीं मिलेगी। तो अब क्या किया जाए? नारायण नारायण, हे परमेश्वर नमो नमः। सभी देव यहीं पर हैं। श्रीमान नारायण आप भी यहीं पर हैं। आपको खोजते खोजते मेरे पैरों में छाले पड़ गए। सब झूठ है। यहीं कहीं चोरी से छुप के सारा विषय समझ के अब आ रहे हैं। यमराज जी, असल बात क्या है? अब तक तो केवल गदा ना उठने के कारण ही दुखी हो रहे थे। अब यमपाश भी काम नहीं कर रहा है तो क्या आत्महत्या करेंगे प्रभु? स्वामी नारद, तुम अनजान तो नहीं हो। इस समस्या का हल तुम स्वयं ही बता सकते हो। यदि मैं अच्छाई करूं तो भी सभी आलोचना ही करेंगे, प्रशंसा कोई नहीं करेगा। फिर भी करना तो पड़ेगा, शिव आज्ञा शिरोधार्य। अब आपसे ही काम है नारायण। चलिए अब हमारा मान आपके हाथों में है, उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। विजयोस्तु। दादा कहो पोते। अब हमारा कर्तव्य क्या है? और क्या है,
शिवजी ने जैसा कहा है ऐश्वर्य के गले से रुद्राक्ष उतरवाना है तो उसका भरोसा जीतना होगा। कैसे? अब से मानव मात्र की तरह हमें अपना भेष बदलना होगा। अपचार हुआ, क्षमा करें। थोड़ा छोटा रह गया। वो स्त्रियों का है। ओहो आहा, कितनी सुंदर प्रतिमा है। प्राण डाले जाएं तो रंभा को पीछे छोड़ दे। ब्रह्मचर्य संकट में भागो यहाँ से। हाँ ये अच्छा है। सर सर सर, चेंजिंग रूम वहाँ कॉर्नर में है सर। गुप्ता क्या हुआ? द्वार बंद किया, कड़ी भूल गया। हम इन वस्त्रों में कैसे दिखते हैं? बिल्कुल मानव जैसे दिखते हैं मित्र। यहाँ से क्यों खुला हुआ है? ओहो, आओ माँ। दादा क्या हुआ? दादा दरवाजे में फंसे चूहे की तरह क्यों चीखे? जो फंस गया वो चूहा नहीं है, उंगली है। संभल के दादा, वरना तुम्हारी वीणा गूंगी हो जाएगी। ठीक है ठीक है, वस्त्र बदले हैं, भाषा भी बदलनी होगी। हाँ ओके ऑल राइट, इस श्लोक में ऐसे ही बोलते हैं। अब चलिए। गला नहीं है। अरे अपुन की सोने की खान। गुरु गुरु गुरु, अरे इतने दिन कहाँ थे गुरु? बस स्टॉप का हर कोपचा मैंने छान मारा, आप लोग कहाँ थे? तुम जाओ यहाँ से, हमें तुमसे बात नहीं करनी। क्यों? तुम पराई स्त्री के वस्त्र नोच रहे थे। वो तो आप उनकी दवा का साइड इफेक्ट था गुरु। गुरु ये चिकना कौन है? करोड़ों बैचलर की शाइनिंग इनके मुंह पर है। ये हमारे दादा श्री हैं। जब से तब से कब से ये ब्रह्मचारी। ओह आगे कुछ मत कहो, अपन समझ गए। इन्हें डॉक्टर समरजीत को दिखाना मांगता है। वो कौन है? बस वही चेक है जिनका नाम लेते पानी में तैरती हुई मछलियां हवा में उड़ने लगती हैं। फिकर नॉट भिड़ू, खर्चा पानी कितना भी हो आप उनके होते हुए घबराने का ना है। यू वरी नॉट, डोंट एट ऑल। ज्यादा मत हिला उखड़ जाएगा। क्या? तेरा हाथ। गेटअप तो अच्छा किया है, लेकिन वो सोना कहाँ छुपाए लाया है? इस थैले में। लाइफ सेट है। तुम लोगों के बाल का ये झाड़ कुछ ज्यादा ही बड़ा है, अपन बनाएगा तुमको फिल्मों का हीरो। सुनो अजामो, ऐसी कैंची चलाओ कि तीनों का थोबड़ा चिकना हो जाए। कुछ भी करो पर हमारी मूछों को हाथ मत लगाना। मेरा ऊपर का मुंडना और दादा का नीचे का। मेरा मतलब आपकी दाढ़ी से था। अरे बाप रे, अपुन चला। क्या है दादा, बैल गोबर डालने के बाद जैसा मुंह बनाते हैं वैसा मुंह क्यों बना रहे हैं? चार युगों से बढ़ाई हुई दाढ़ी आप लोगों की दया के कारण एक झटके में चली गई। अरे दादा जाती है तो जाने दो ना, फिर से बढ़ा सकते हो, ज्यादा दिल पे मत लो। वैसे वो जुल्फों वाला कहाँ गया? यहीं कहीं होगा। बाप रे, हमारा थैला। उस अज्जाम ने तो आधा मुंडन किया था, पूरा मुंडन तो इसने किया है। अरे वाह, मेरी वीणा तो छोड़ दी। जब उसने उस औरत को छेड़ा तभी उसकी नीयत पता लग गई। वो कहाँ जाएगा, हम यमराज हैं। क्या अंदाज है, चलो काज है। बाबा रे बाबा, इस टीवी की आवाज से दुकान के पर्दे फट रहे हैं। भज गोविंदम भज गोपालम भज गोविंदम भज मते गंगा। हाँ? तुम्हारी माँ जी अंदर क्या कर रही है? आपके लिए दूध में कीड़े मारने की दवा मिला रही है। बूस्ट बूस्ट मिला रही है, पगली कहीं की। पता नहीं मुझ पर दीवानों सा प्रेम है। भज मूड मते आई। ये बच्ची हमें रास्ते में से घर लाई है। यही मेरा घर है, कैसा है? अभी कहाँ देखा है? पापा पापा सुन रही हो बेटी? MS सुबह लक्ष्मी गा रही है।
इन्हें सुनने से ऐसा लगता है जैसे कान में अमृत घुल रहा हो। मुंह में डालने को नहीं मिलता, कान में कहाँ से डालेंगे। मेरे पापा गोविंद जी, मम्मी नमस्कार। नमस्कार मम्मी। उस मधुर आवाज को सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से लौट कर आ रहे हैं। मेरे पापा संगीत के दीवाने हैं, संगीत में डूब जाते हैं। पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो साउंड सिर्फ इनको सुनाई देने का प्रबंध किया होगा। ये ब्रह्मा जी की तरह बहरे हैं। ब्रह्मा जी बहरे हैं? ये मेरी मम्मी है रामेश्वरी। नमस्कार। नमस्कार। थोड़ी देर के लिए टीवी बंद कर दीजिए, ये क्या कह रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा। ये तो इनसे भी ज्यादा बढ़कर लगती है। मम्मी ये लोग ऊपर वाला कमरा किराए पे चाहते हैं। लड़की देखना चाहते हैं। शायद शर्मा रहे हैं। आप लोग बैठिए ना। सुनिए जी, हमारी लड़की को देखने लड़के वाले आए हैं। क्या मीटर रीडिंग देखने आए हैं? तो फिर तीन लोग क्यों आए? भगवान, वोट के लिए नहीं, लड़की देखने आए हैं। आप लोग बैठिए ना। वो थोड़े से बहरे हैं, थोड़ा कम सुनाई देता है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? धर्मा। कर्मा? उसका नाम राजू है। काजू? ये कैसा नाम है बेटा? वो लड़का वीणा बहुत अच्छा बजाता होगा ना? मुझे भी वीणा बहुत पसंद है। अपनी जवानी में मैं भी बहुत अच्छी वीणा बजाती थी। अब रागों की श्रुति गलत हो रही है। एक बार बिना शर्माए जरा बजाओगे? मैं कान लगाकर सुनना चाहती हूँ। आपके कानों से सुनेंगे? हाँ हाँ, चिड़कनी नहीं बेटा, वीणा। चलिए ऊपर चलते हैं। लगता है राजू को कोई टेंशन है। ऐश्वर्या के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, ऐश्वर्या की आंखें बंद होने तक हम लोग आंख बंद नहीं कर सकते। गुप्ता, ये तेरी नींद है योगासन? क्यों? कुछ नहीं, नींद में इधर उधर पैर करने की आदत तो नहीं है ना? अभी तो दीवार पे है, बाद में कहाँ होंगे मैं खुद नहीं जानता। मुझ पर रखोगे तो चलेगा, पर वीणा पर मत रखना, कद्दू की बनी है टूट जाएगी। फिर भी हमें अपना काम तो करना होगा। देखो देखो देखो, चंदा मामा को देखो। अच्छा है ना चंदा मामा? आपको चाहिए चंदा मामा? हाँ? देखो। चलो चलो, अरे चंदा इतने नजदीक कैसे आ गया? देखो तो। ऐश्वर्या जी, मैं आप उस दिन गुंडे फाइट। आप यहाँ कैसे? हम लोग यहाँ किराए पर रह रहे हैं। अच्छा रुकिए, मैं बस आ रही हूँ। हम भी ले जाने के लिए ही आए हैं। धर्मा तुम होशियार रहना, रुद्राक्ष के हाथ लगते ही प्राण ले जाएंगे। Extremely sorry, मैं आपको थैंक्स भी नहीं कह पाई उस दिन। कोई बात नहीं, सिर्फ थैंक्स है घर बुला के कुछ चाय नाश्ता वगैरह। हाँ हाँ जरूर। वैसे ये कौन है? हमारे दादा। दादा? हाँ, इतना चौकी मत, सुबह ही दाढ़ी बनवाई है ना, इसलिए कुछ ज्यादा ही यंग दिख रहा हूँ। हाँ, सही कहा। हाय ऐश्वर्या। हाय। उस दिन तुम्हें बचाने के लिए इनको थैंक्स नहीं कहा, इसलिए तुम्हें बहुत फील हो रहा था ना। तुम्हें सरप्राइज देने के लिए इन्हें अपने घर में ही ठहराया है। अच्छा।
पता है हम दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अच्छा ये भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। एक बार इनकी जीप में बैठा था, दो बार इनसे मैं टकराया, बड़ा मजा आया। तो फिर मैं भी एक बार इस जीप में बैठूंगा। कल मेरी सारी घर वालों से मैं आपको मिलवाऊंगी, आपको मेरे घर जरूर आना होगा। जरूर, आप कहें तो खाने पर आ जाए। ओह श्योर, अब चलती हूँ। गुड नाइट, बाय 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 बाय। अगर जीप की बात दोबारा कभी मुंह से निकाली ना तो हाँ। अंदर बंद करके बहुत धुलाई करूंगी। अरे बाप रे, अरे सुनो, आई एम कमिंग। धर्मा, मौका अपने आप हाथ आया है, कल ही उस लड़की का मरण मुहूर्त है। रुकिए रुकिए रुकिए, कौन है आप लोग? ऐश्वर्या के रिश्तेदार। मुझे तो पता ही नहीं है, आप दोनों को कभी कहीं देखा लगता है? अगर देखा होता तो आप यहाँ नहीं होते। ऐसे कैसे? बस ऐसे ही। आपको मैंने आप आ गए, मैं आप ही का वेट कर रही थी। चाचा, मैंने बताया उस दिन मुझे गुंडों से बचाया, वो यही है। हम ये आई। रुकिए, दादाजी, माँ, पापा, बड़ी माँ, बड़े पापा, चाची, सभी आइए, जल्दी आइए। क्या हुआ? हाँ, ये वही है जिन्होंने मुझे बचाया था। अरे वहाँ क्यों रुके हैं? आइए ना माँ। ये राजू, धर्मराज। नमस्कार। मेरा दोस्त गुप्ता। अरे चित्र गुप्ता मेरा नाम। ये इस तरह से क्यों देख रहा है? रात को देखा होगा, पहचानने की कोशिश कर रहा है। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। ऐश्वर्या ने जब से बताया कि आपने उसकी जान बचाई है, हमारा पूरा परिवार आपको थैंक्स कहना चाहता है। यही तो इंसान का फर्ज है, उसमें थैंक्स क्यों? ऐसा मत कहिए, हम सबकी जान ऐश्वर्या को बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है आपने। हाँ, इसे खरोच भी आती है तो हम सब परेशान हो जाते हैं। उसको बचाने वाले आप हमारे लिए भगवान। उस बात को रहने दीजिए, आपके दिल में ऐश्वर्या के लिए इतना प्यार भरा है, कल अगर वो दूर हो गई तो। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं है, कल जब वो शादी करके ससुराल चली जाएगी तो तकलीफ तो होगी ना। अच्छा अच्छा, उसका भी उपाय है ना, ये घर जमाई ले आएंगे, दोनों मिलके इसी घर में रहेंगे। ये सही कहा। हम सबका भी यही विचार है, हमारी ऐश्वर्या हमसे कभी दूर ना हो। भाई खड़े क्यों हो? मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। उसकी क्या जल्दी है? मेरी एक मीटिंग है, मैं चलता हूँ। जी अच्छा। हाँ, हाँ, मित्रियम अभी तक नहीं आया। मेरे को बैठता हूँ बंगाराने के, मेरे को बैठता हूँ। पुराने गोल्ड को पॉलिश करवा लो, पुराने गोल्ड रोल गोल्ड को ओरिजिनल गोल्ड बनवा लो। नारायण नारायण, पॉलिश करवा लो, पुराने गोल्ड को पॉलिश करवा लो। कोई आता क्यों नहीं है? ओ पॉलिश वाले। अरे वाह। ओ पॉलिश वाले, आजा हमारे यहाँ, चमका के जा सोना इतना सारा। पहले गाना बंद करो और ये बताओ कि सोना कहाँ है? हमारी बेटी के सोने के गहनों को पॉलिश करनी है, अंदर चलो। मैंने सोचा तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, तुम्हारी तो बेटी भी है। अरे मेरी बेटी नहीं, मेरे मालिक की बेटी है। चलो जल्दी अंदर आओ। पॉलिश करूंगा तुम्हारी बेटी के गहने, पॉलिश करूंगा और साथ में तुम्हें भी पॉलिश करूंगा। आया। घर में मेहमानों के होते हुए ये काम जरूरी है क्या? आप जरा चुप बैठे रहिए ना, दशहरा आने वाला है, कब से अपने गहनों को पॉलिश कराने की सोच रही थी। तुम करते रहो भैया। करवा लेने दो, ये औरतों का काम है, उन्हें करने दो। ठीक है, तुम करो भाई। ठीक है जी। आप लोग रुकिए, मुझे थोड़ा काम है, जरा बाहर जाके आता हूँ। दादाजी एकदम करेक्ट बोल रहे हैं, आपको कोई काम नहीं है क्या? तुमको यहाँ से भेजना ही मेरा काम है। अब आइयो बेटी, तुम्हारा ही रास्ता देख रहा था। वो कंगन दोगी जरा? शुक्रवार के दिन सोना पॉलिश करवाएंगे तो आपका सोना दुगना हो जाएगा। इधर लाइए जरा, लगता है मिट्टी जम गई है। लो। वो रुद्राक्ष की माला भी दे दो बेटी, उसे भी चमका दूं। हाँ, इसे रहने दीजिए, बस कंगन पॉलिश कीजिए। आ, 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 आ,
क्या बात है बेटी, बाकी सारे गहने तो पॉलिश करवा लिए, ये पुराना गहना इन चमकते गहनों के बीच में अच्छा लगेगा क्या? लाओ दे दो, आप ही समझाइए ना इसे। संकोच क्यों करती हो बेटी, लगता है कोई पवित्र माला है, नहीं चमकेगी तो पाप लग सकता है, आप समझाइए। नहीं रहने दीजिए, आप समझाइए ना। चाची जी निकालिए ना। चमकाने के बहाने गहने चुराने वाला धोखेबाज। हार मत निकालो भाभी। पार्वती वो गहने भी ले लो। क्या हुआ जी? मुंह बंद करो। चमकाने के बहाने गहने चुराते हो, कानून से बचते फिर रहे हो, सब कुछ अखबार में साफ साफ लिखा है। यमराज बचाओ। यमराज को पुकारा तो तुम क्यों गिरे? यही है ना तेरा काम, गहनों को चमकाना, गड़बड़ हुई तो भाग जाना। अरे विश्वनाथ जल्दी बाहर आ। आया। क्या काम है? अपने टाइसन को जल्दी बुला। टाइसन? ए, कुत्ते को छोड़, वो भौंक लेगा, तू क्यों भौंकता है? यम पास से उसके प्राण हरने के बजाय तुमने उसके प्राण क्यों बचाए? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, क्या है तुम्हारे मन में? प्रेम है। सुना, मैं ऐश्वर्या से प्रेम करता हूँ, इसीलिए रुकावट बना। एक मानव कन्या से कैसा प्रेम यमराज? उसमें दया के साथ साथ दूसरों के लिए बलिदान और त्याग करने की भावना भी है, उसी ने मुझे आकर्षित किया। धर्मा, तुम धर्म से हट रहे हो, अपना कर्तव्य भूल रहे हो। हम यहाँ आए हैं उसके प्राण लेने के लिए। धरती पर बोझ बने हुए पापियों को छोड़ के ऐश्वर्या के प्राण मैं नहीं लूंगा। रुद्राक्ष उसके गले में ही रहेगा, अगर कोई उसे निकालने का प्रयत्न करेगा तो मैं नहीं सहूंगा। परंतु और कुछ मत कहो गुप्ता, तुम्हारा कर्म है मेरा कहा मानना, हम यम हैं। ये क्या है भाई, वो इतना कुछ कह गया और तुम बुद्ध बनकर खड़े खड़े सुनते रहे? प्राण हरने वाला यम ही प्रेम करने लगे तो हम क्या करें, बड़ों से कह देंगे, वही देख लेंगे। ये गलत है मित्र, अगर गलत मार्ग अपनाए तो उसे संभालना चाहिए। फिर भी उसका विरोध कैसे करें? तुम उसका विरोध करोगे एक सृष्टि कार्य के लिए। वैसे तुम्हारे वंशज इतना दिमाग लगाकर एक के बाद एक पापियों के चिट्ठे लिख रहे हैं और ये दंड दो वो दंड दो कहकर न्याय कर रहे हैं, कीर्ति पा रहे हैं और शान से भैंसे पर घूम रहे हैं। इसलिए कर्तव्य को समझो और रुद्राक्ष को निकलवाओ। रुद्राक्ष तो मैं निकलवा लूंगा, पर प्राण तो वही लेंगे। पहले रुद्राक्ष निकलवाओ, बाकी ऊपर वाला संभाल लेगा। ऐसा कहते हो? फिर से कहूं क्या? ओ, मेरी सांगली की रंगीली, किसके साथ बात कर रही थी तू? बोल बोल ना। मैं बात किसी से भी करूं, मेरे दिल में तो तू ही बसा हुआ है रे। सच मेरी हरियाणा की हिरनी, चिंचपोकली की चिकनी। ऐसी ही बातें करके चूहे की तरह बिल में घुसते हो, बिस्तर में घुसते हो, पर कभी एक रिंग बना कर नहीं देते। रिंग क्या मेरी बंगाली मिठाई, तुझे तो सर से पांव तक सोना पहनाऊंगा, देखना कितना सोना लाया हूं तेरे लिए, तेरा ही चेहरे। ये सब मेरे लिए? अरे छोड़ छोड़, मर गया छोड़। अब उनके हाथ को क्यों काट रही है? हाथ नहीं, मेरा बस चले तो गला काट दूंगी। शराबी कहीं का, रात की तेरी उतरी नहीं क्या? सोना कह के पत्थर देता है। क्या कहा? समझ गया, तांबे और पीतल के अलावा तूने ये सब पहना ही नहीं होगा ना, इसलिए तेरे को सोने की कीमत नहीं पता। जरा देखना आंखें क्या फाड़ के देख रही, देख। इसे क्या कहते हैं? गोल्ड, ओल्ड गोल्ड, हैंड माय होल्ड। अच्छा, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। मुझसे मजाक करता है? हाँ, हाँ, मुझसे मजाक करता है, ये ले, ये ले।
बड़ा यार फूल देने वाला। ओफो इधर देखो। हाँ? सुनो ना। क्या है? क्या है जो इतने इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो? पढ़ नहीं रहा, औरतों की बातों का मतलब कुछ और ही है, पिक्चर देख रहा हूँ। इसे छोड़ो, मुझ पर ये साड़ी कैसी लग रही है? कला मंदिर की साड़ी अच्छी लग रही है। येलो साड़ी, येलो ब्लाउज, ओके। अंदर पहना हुआ ब्लैक पेटीकोट मैच नहीं हो रहा है। अंदर का किसे पता चलेगा? हे, क्या कहा? अंदर मैंने ब्लैक कलर का पेटीकोट पहना है, ये तुम्हें कैसे पता? तुम पेटीकोट की बात करती हो? तुम्हारे बदन पे कहाँ कहाँ तिल है बता सकता हूँ? तुम्हारे बाएं कंधे पर एक तिल है, दाई जांग पर एक तिल है, कमर की बाई तरफ एक तिल है, कमर के नीचे एक तिल है। तुम्हारे पीछे के तिल के बारे में भी बता सकता हूँ, बताओ। ऐसे मत देखो, तुम्हारी नजर में कोई जादू है। क्या है बेटी, नीचे बैठ के क्या ढूंढ रही है? कोई चूहा अंदर आ गया? डैडी आप जाइए यहाँ से। खाना खाइए। तुम्हारे बाप को देखो, बाहर से डिसेंट दिखता है लेकिन अंदर पता है फूलों वाला कच्चा पहना है जोकर की तरह। ये साले बटन लगता ही नहीं है, कुर्सियाँ खराब हो गई। ठीक है, कल मैं खरीद कर लेता हूँ। अरे क्या कर रही हो बेटी? अरे अभी क्या, अभी कहाँ से खरीदूँ? तुम ही तो मैं। वैजयंती, अरे वैजयंती, वैजयंती है क्या? नहीं है, लगता है आज उसकी नाइट ड्यूटी है। क्या बात है, क्या हुआ? हमारी यशु अभी तक नहीं आई है और उसका मोबाइल फोन भी स्विच्ड ऑफ आ रहा है। मेरे पति और देवर बहुत देर से उसे ढूंढ रहे हैं, इस बारिश में पता नहीं वो कहाँ होगी। आप बिल्कुल मत घबराइए, वो अनाथ आश्रम में वेद पाठशाला में गई होगी। बारिश हो रही है ना, रुक गई होगी। आप घर जाइए, मैं उसे लेके आता हूँ। ठीक है भाई। बस आपके लिए। आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? जब कोई अपना मुश्किल में हो तो पता चल ही जाता है। आपके घर वाले चिंतित थे इसलिए मैं आपको ढूंढने निकला। थैंक यू। गाड़ी खराब हो गई है, फोन कर देना चाहिए था। मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। कोई बात नहीं, सुबह मैकेनिक को भेज देंगे, अभी हम चलते हैं। अरे आप भीग रहे हैं, पास आ जाइए। काश बिजली ऐसे ही कड़कती रहे। सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलेगा। बरसता पानी और इनके साथ आप गाड़ी में। ये जनाब, ये बातें बाद में भी होती रहेंगी, पहले गाड़ी में बैठिए, ये बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं है। आइए, come on, आइए ना। okay. लगता है इसे अंग्रेजी कड़ी ने गलत जगह काट लिया है, कैसे हिल रहा है। कम आइए धर्मा जी। जी गुप्ता जी आ रहे हैं। बहुत भीग गए हैं ना? नहीं नहीं, बारिश में कोई भीगता है क्या? मैंने तुमसे नहीं पूछा, इनसे पूछ रहा हूँ। ये टॉवल लीजिए, पहुँच लीजिए, सर्दी न लग जाए। हाँ? या ये टॉवल कहाँ से आया? मुझे मालूम था आप लोग भीगे होंगे।
छतरी तो कोई भी लाके दे सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात। मैं ये सब जानता था इसीलिए टॉवल ले आया। थैंक्स, आप दूर की सोचते हैं। दूर की सोच नहीं, चोर की सोच है। अरे अरे, लगता है सर्दी लग गई। एक सेकंड, ये लीजिए विक्स लगाइए। साथ में कपड़ों का एक जोड़ा भी ले आते। कोशिश तो की थी पर मिला नहीं। इतनी देर से कहाँ थी बेटी? गाड़ी खराब हो गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि ये दोनों मुझे ढूंढते हुए वहाँ आए, नहीं तो ऐसी बारिश में मुझे सारी रात गाड़ी में रहना पड़ता। तभी गुप्ता जी आए और इन्होंने गाड़ी रिपेयर कर दी। या। गाड़ी क्या चीज है, वक्त आने पर टूटे पुराने बर्तन और फर्नीचर भी ठीक कर देगा। ये तो मित्र का प्यार है। जो भी हो, कोई भी लड़की अगर शादी करना चाहेगी तो गुप्ता जी जैसे लड़के से ही करना चाहेगी। बिना मांगे सारी जरूरतें पूरी कर देते हैं। You mean me? ये तो आपका बड़प्पन है। गुप्ता, अब चलें क्या? Yes, ready. हम चलते हैं। अच्छा बेटा। चलो। तुम वहाँ क्यों आए? अपना काम करने। ये काम है तुम्हारा? तुम प्यार करके शादी करना चाहते हो, मैं भरोसा जीत के रुद्राक्ष चाहता हूँ। तुम रुद्राक्ष नहीं ले पाओगे। ऐसा तुम सोचते हो, मैं लेकर रहूंगा। तो फिर हमारे बीच युद्ध होगा। राम, हनुमान, कृष्ण, अर्जुन के बीच भी युद्ध हुआ था, हम क्या चीज हैं? ओह, तो तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? मुझे लगता है अपने कर्तव्य को जिता सकता हूँ। ठीक है, देख लूंगा। देख लो। तुम और ऐश्वर्या जरा नजदीक क्या आए, बीच में घुस के चक्कर चला के तुम दोनों को अलग करने की सोच रहा है। छोड़ना नहीं, तुम्हारे प्रेम में बाधा डाल रहा है, तुम भी उसके प्रेम में बाधा डालो। ये गलत होगा, चतुर को चतुराई से ही मारना चाहिए। गुप्ता को वैजयंती से प्रेम करना होगा, प्रेम क्या होता है ये जानना होगा, और तभी वो मेरे प्रेम का आदर करेगा। ये क्या, ये तो अचानक मानव की तरह सोचने लगा। अदरक की चटनी, इसमें गुड़ तो डाला ना? नहीं, जहर डाला है। तुम्हारी माँ जी को बहुत पसंद है, इसे ज्यादा देना। मेरा सर इन दोनों बहरों ने पागल कर दिया। नमस्कार। आओ बेटा, आओ बैठो। ठीक नाश्ते के टाइम पर आया, कल से खाने के टाइम पर आएगा। बैचलर्स के साथ यही लफड़ा है। अंकल जी, आपसे एक बात करनी थी। सुनिए तो, लगता है लड़का शर्मा रहा है, इसे एक पूरी चाहिए होगी, दीजिए ना। आपकी जवान बेटी घर में बैठी है और आप अदरक और गुड़ की चटनी खा रहे हैं, उसकी शादी नहीं करनी? वही तो, जितनी भी चटनियां हैं सब वेस्ट है, गुड़ वाली चटनी द बेस्ट है। दादाजी मुझे शक्ति दो, इन बहरों को मैं कैसे समझाऊं कि मैं इन दोनों को... क्या है बेटा, अपने आप से बात कर रहे हो, हमारे सामने हिचकिचाओ मत, बात क्या है बोलो। देखिए, आपकी बेटी की शादी की बात है, मैरिज, मैंने कहा शादी। हमारी शादी, 25 साल हो गए, चाहत अभी भी बरकरार है। समझ गया, तुम शादी करने वाले हो, बहुत खुशी हुई। कोई इन बहरों के कानों में गरम तेल डालो, ये मेरी कैसी परीक्षा है, सुबह से भोजन के साथ मेरा दिमाग भी खा रहे हैं। अंकल जी, देखिए बात मेरी शादी की नहीं है, आपकी बेटी और गुप्ता की शादी की बात है। क्या कहा, तुम्हारी शादी हम दोनों को करवानी है, तो इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? दहेज में 10 लाख रुपए चाहिए। अरे बाप रे, लगता है ब्रह्मदेव ने इनके कानों में ढक्कन लगा दिए हैं। शर्माना नहीं बेटा, और कुछ चाहिए हो तो बता देना। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ तुम दोनों का गला दबा के दफना दूं या जला दूं या नदी में बहा दूं। वो करो, अंगूठी बदलो या मंगलसूत्र बनाओ, दोनों शादी ही होती है। देखो तुम टेंशन मत लो, शुरू में ऐसा ही होता है, बाद में आदत हो जाएगी। हम दोनों को देखो। कुछ करो प्रभु। आपके तोता और मैना को मेरा नमस्कार। मैं जो कह रहा हूं वो जरा समझिए, आपकी बेटी का ब्याह। अरे फिक्र क्यों करते हो, शादी है तो बैंड बाजे बगैर कैसे होगी, मैं अरेंज कर दूंगा ना। साथ ही साथ हमारे
हमारी बेटी के लिए भी अच्छा रिश्ता देखना बेटा। शादी के शहनाई की गूंज सुनने के लिए हमारे कान न जाने कब से तरस रहे हैं। अब बर्दाश्त नहीं होता, इनके टुकड़े टुकड़े करके खौलते हुए तेल में तलूंगा। ऊपर आइए, बताता हूँ। क्या कहा, शादी के बाद हनीमून के लिए प्लेन में जाओगे? तो कौन सी बड़ी बात है, बेचारे के आगे पीछे कोई नहीं है ना, सबके लिए हम पर निर्भर है। तो ठीक है, दोनों शादियाँ एक साथ कर देंगे। मैं ना तोता। ये क्या है? ये मूर्ति है। किसकी मूर्ति? अरे किसकी मूर्ति है, घूंघट खोलोगे तो खुद जान जाओगे। कम कम आओ भी, सॉरी, कम 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 यहाँ आओ, हटाओ इसे, हटाओ ना। So sweet. किसने बनाई? मैंने। Wow. आप इतने टैलेंटेड हैं, पता नहीं था। ये तो बचपन से हर कोई मुझसे कहता आया है। वेरी गुड, तुम्हारा गिफ्ट बहुत बढ़िया है गुप्ता। थैंक यू जी। ये नाग नक्शा, कपड़े उपड़े बहुत सुंदर हैं। नहीं नहीं, मुझे कहीं कुछ कमी दिखाई दे रही है। रुद्राक्ष माला, वो एक चीज भूलने से कुछ नहीं बिगड़ता। क्या कह रहे हो अंकल, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। जैसे चांद पे दाग होता है ना, वैसे रुद्राक्ष की बनाई मूर्ति है, मुझे बहुत बेकार लग रहा है। अब ऐश्वर्या जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपके गले से इसे निकाल के इस मूर्ति को पहना दीजिए ना, बहुत अच्छी लगेगी। इतनी सुंदर मूर्ति पर ये रुद्राक्ष माला एकदम आर्टिफिशियल लगेगी, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, अच्छी लगेगी। बिल्कुल ठीक कहा, सादगी की सुंदरता सजावट से बिगड़ती है, रहने दो। नहीं अंकल, रुद्राक्ष के बिना यह मूर्ति बेकार है। मैंने इन्हीं हाथों से इसे बनाया है, इन्हीं हाथों से इसके टुकड़े कर दूंगा। गुप्ता जी, आपका दिल दुखाने का इरादा नहीं था, पर आपकी खुशी के लिए मैं इसे निकालकर मूर्ति को पहनाती हूँ। उसे मत निकालो। अरे 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 अरे, ये क्या है गुप्ता, मूर्ति तो ले आए पर इस रुद्राक्ष को रूम में ही भूल गए। पता नहीं आजकल तुम्हें भूलने की बीमारी लग गई है। अब देखो दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं ना। धर्मा जी ने क्या सही टाइम पे एंट्री मारी। इधर आ मित्र गुप्ता। अभी तो ऐश्वर्या की मूर्ति के गले में माला डाली है, जल्दी ही ऐश्वर्या के गले में हार डालूंगा और तब भी तुम मूर्ति बने खड़े रहकर देखते रहोगे और कुछ कर नहीं पाओगे। छोड़िए छोड़िए, चालाकदार पुणे कुछ नहीं किया। चल चल, अरे क्या कर रहे हैं सर। आइए चोर साहब आइए। सर अरे घबराओ मत, हम तुम एक हैं, चोर पुलिस को दूध और पानी की तरह मिलकर एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। सर आप जैसा शहर में एक तो होना ही चाहिए, रात को ही नहीं दिन को भी हमारी ड्यूटी हम खुशी से निभाते जाएंगे। सर ठीक है, वैसे आपका कट कितना? कुछ खास नहीं भाई, कुछ ही दिनों में मेरी साली की शादी होने वाली है। मेरी बीवी के इतने रिश्तेदार हैं कि बंदरों की पूरी फौज बन जाए। सबको कपड़े देने के लिए कब से मेरे गले पड़ी हुई है, एक सरकारी नौकर इतने पैसे कहाँ से लाएगा। अरे मेरे पीके राय, इस बैग को हड़पने का प्लान बना रही है। सर वैसे ये बैग अरे वो... तेरे बैग से मुझे क्या लेना देना। कविता जल्दी आ जा। मैं सभी आती हूँ। मैं तैयार हूँ। ये मेरी बीवी है। नमस्ते मैडम। तुम्हें क्या करना है पता है? क्या सर? इनकी साड़ी खींचनी है। सर अपन तो बस उतारे हुए जूते या सुखाई हुई साड़ियाँ चुराने वाला टाइप है, ऐसे रेप करने वाला टाइप नहीं है सर। अरे वो तो तेरे थोबड़े को देखकर ही पता चल जाता है, लेकिन सुना है जब तू साड़ी खींचता है तो बहुत साड़ियाँ आती हैं। आप कैसे जानता है? मैंने बताया। उस दिन ना वो... ऐसा मत कहो भाई, सुना है तुम्हारे हाथ में कोई जादू है, ये साड़ी खींच के एहसान कर दो। तो साड़ी खुल जाएगी मैडम। अबे मैं खींचूंगा तो साड़ी खुलेगी, तू खींचेगा तो क्यों खुलेगी? सुना है कुएं में से पानी की तरह साड़ियां निकलती हैं। नहीं सर वो तो उस दिन वो औरत बहुत नखरे दिखा रहा है। हमारे पीके साहब को क्या समझता है, वो तुझे मुर्गी चोर दिख।
मारू क्या? हाँ, जल्दी खींचो, मैंने अपनी बीवी से कहा है तुझे लेके आऊंगा, वो तेरा वेट कर रही है। कला मंदिर की साड़ियों जैसी कम से कम 100 साड़ियाँ चाहिए, सिर्फ शादी में पहने वाले नहीं, थोड़ी हल्की बुल्की भी चलेंगी। खींचो ना भैया, प्लीज खींचो ना, खींचो ना, लो लो लो, जल्दी खींचो ना, खींचो। ये क्या किया बे? साड़ी खींचने को कहा था, तूने उसी साड़ी को उतार दिया। ये जी, इसे भी ट्राई करने दीजिए ना, शायद वो जादू हो जाए। सर, मैडम की इच्छा है तो मना मत कीजिए। तू पहले अंदर जा। साड़ी खिंचवाने के बाद सोचा था अपनी पैंट भी खिंचवाऊंगा। तू CIP के राय को क्या समझता है, कुछ नहीं कर सकता। भी बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। धीरे धीरे इन मानुओं के खाने की आदत हो चली है। हाँ बिल्कुल। उठो यहाँ से। क्यों? दिखता नहीं आइस बॉक्स से। इसीलिए पैंट गीली हो गई। अच्छा तो आप बताओ। मेरे लिए वेनिला आइसक्रीम। मैंने ऑर्डर नहीं पूछा था बुक्कर कहीं की। तुम कुछ कहने वाली थी ना? मैं किसी से प्यार करने लगी हूँ। तुम जिससे प्यार करती हो वो कोई मामूली नहीं होगा, बताओ ना कौन है। मैडम आपको CI साहब की मेम साहब बुला रही हैं। इधर आओ बेटी, एक मिनट। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। इतने दिनों बाद ये अकेली मिली है। इडियट, दिखाई नहीं देता क्या? ए, बेबी कह रही दिखाई नहीं देता क्या? क्या कर रहे हो? सालों को शर्म नहीं है। हाँ, शक्कर डाली नहीं है। अरे वो नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सालों के टुकड़े टुकड़े कर देता। अरे रुको, फाइट करने निकले हो क्या? और नहीं तो क्या, ऐश्वर्या के करीब पहुँचने का अच्छा मौका है। जरा उधर देखो, तुम्हारे मम्मी डैडी कैसे हैं? अरे बापरे, ये शैतान लड़की कहाँ से आ गई? शैतान लड़की नहीं है। हाँ? माचिस की तीली है, पहले ही तुम पर डाउट है। किसी लड़की के लिए तूने फाइट किया पता चला तो तुझे आग लगा देगी। दादा मेरे हाथ में खुजली हो रही है। ऐसा क्या? वो देखो उस दीवार से रगड़ लो। फाइट तो हुई नहीं, उड़ने कैसे लगे? ये किया किसने होगा? एक मिनट मैडम। आपको फिर से थैंक यू। ये तो मेरा फर्ज है। अरे वाह, क्या मारा आपने। अगर आपका साथ हो तो कोई भी लड़की बहुत सुरक्षित रहेगी। आपसे जो शादी करेगी उसे स्वर्ग मिलेगा। आए देखो, ताड़ की तरह लंबे होने से कुछ नहीं होता, जिगर होना चाहिए। एक लड़की को मुसीबत में देखकर उसे बचाने की बजाय कहीं छुप गए, और अब आ रहे हो शादी में मेहमानों की तरह हाथ हिलाते हिलाते। चेहरे पर मुंह चुगाने का क्या फायदा? बस खत्म हो गया। चलो चलें। कहीं से कॉपी किया हुआ लगता है। मूवी से। ओ, ये भी रुको। ये सब आपका रचा नाटक है ना? मेरा? नारायण, मेरे साथ रहते उन्हें मिलाने की कोशिश करते। नारायण, मेरा इस विषय में कोई हाथ नहीं है, विश्वास करो पोते। ठीक है, मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। बता दे रहा हूँ, जाओ तुम लोग।
अब बताओ भी तुम्हारी रेस्टोरेंट वाली अधूरी लव स्टोरी। क्या बताऊं, मेरी लव स्टोरी कहीं ट्रेजेडी न बन जाए, इसका डर है मुझे। तेरी लव स्टोरी को रोमांस बनाने का जिम्मा मेरा। वैसे वो लड़का कौन है, कहाँ रहता है, सब बताओ। उन्हें तुम अच्छी तरह जानती हो। यहीं इसी घर में रहते हैं। तुम्हारे लिए आई होगी। किसके बारे में बोल रही हो, धर्मा के बारे में? वो नहीं रे, वो दूसरा 6 फुट वाला भोंदू है ना, वो नमूना। ओह, गुप्ता है क्या? गुप्ता के बारे में क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, मेरी फ्रेंड आपके फ्रेंड को अपना दिल दे बैठी है। ओह, वो बहुत दिलफेक आदमी है, बाद में हाथ झाड़कर किनारे हो जाएगा। ऐसा मत कहिए, हो सकता है वो भी इससे प्यार करते हो। पर उसका जरा मोटा है दिमाग। प्यार व्यार उसकी समझ में नहीं आता। मेरी फ्रेंड और आपके फ्रेंड दोनों को मिलाने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे और कुछ नहीं सुनना, तुम्हारी बात सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। तुम राम राम कहो या शिव शिव कहो, जो भी कहो, हमारी बेटी की शादी उस गुप्ता से ही करवाऊंगा, कह देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं चलेगा, चाहे धरती फटे या गगन गिरे, मैं कह देती हूँ मेरी बेटी की शादी गुप्ता से ही होगी। देखिए, बच्चे की शादी उस गुप्ता से नहीं हुई तो कुएं में कूद कर मर जाएगी, बाद में रोते रहना। मेरा गला दबा दोगी? मैं मर भी जाऊँ ना तो बच्ची की शादी गुप्ता से ही करवाऊंगा, देखता हूँ कौन रोकता है। अरे भाई धर्मा, तुम ही फैसला करो, हमारी बेटी के लिए तुम्हारा दोस्त गुप्ता ही सही वर है, ऐसा कहा मैंने, ये कहती है कि नहीं है। क्या ऐसा कहा? हटिए यहाँ से, मेरी बात सुनो धर्मा, हमारी बेटी के लिए तुम्हारा दोस्त गुप्ता ही सही वर है, लेकिन ये ना कहते हैं। ऐसा कहा उसने? राजा जी, विचार अलग होने पर झगड़ा होते तो देखा है, पर एक मत होने के बाद भी झगड़ा होते हुए यही देख रहे हैं। एक काम कीजिए, गुप्ता के साथ शादी करवा दीजिए। गुप्ता और वैजयंती को एक करने के लिए क्या करना चाहिए? करना क्या है, उसका ध्यान हमेशा ऊपर रहता है, नीचे तो रहता नहीं है। उसके रास्ते में अगर तेल डालेंगे तो पांव पड़ते ही सर से फिसल के वैजयंती पे जा गिरेगा और दोनों चिपक जाएंगे दीवार और उपले की तरह फेस टू फेस। सुनो, तुमने शादी के लिए प्लानिंग बढ़िया किया, पर बैंड बाजे का क्या इंतजाम है? बेटा, तुम शर्मा के इनकी बातें मत मान लेना, शादी होते ही हम गौना करवा देंगे। आप दोनों का क्या कह रहे हो, किशोर बैंड वालों से कोई बेहतर नहीं है? बैंड वाले, डांस पार्टी वाले तो बाद में आकर बजाएंगे, आप तो हमारी अभी बजा रहे हैं। अच्छा, मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ चाहिए? वही चाहिए। नहीं चाहिए? जर्दा पान लाऊंगा, मैं खुद ही खाऊंगा। तो तुम ही खाओ ना। चलते हैं, पान खाते हैं। चलो जल्दी फटाफट तेल मंगाओ, फर्श पर डाल देते हैं। तेल रेडी है। कहाँ चले? क्या हुआ दादा? इसे यहाँ करंट कहते हैं, वो लग गया। तुम्हें दो दिलों को मिलाना बहुत अच्छा लगता है दादा, कंट्रोल। मैं यहाँ पर तेल डाल देता हूँ और तुम लोग जोर जोर से उसे चिल्लाकर बुलाओ, वो यहाँ पर आएगा और गिर। इनका क्या करें? गिरने वाला था। चलो इस तरफ आओ, देखो तुम यहाँ खड़े रहो, तुम्हारा हीरो ऊपर से सर से फिसल कर तुम पर आ गिरेगा, और ऐश्वर्या तुम उस तरफ हो जाओ, कहीं गलती से तुम पर ना गिरे, टांगे वैसे ही बहुत लंबी है। ओके, रेडी रेडी। तेल डाल दिया है, अब बुला सकते हो उसे। गुप्ता जी जल्दी आइए। मित्र गुप्ता जल्दी आओ। गुप्ता जी जल्दी आइए। इनके माँ बाप की तरह बहरा हो गया है क्या? गुप्ता, गुप्ता। आओ मित्र गुप्ता। तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो, कुछ हुआ क्या? सोचा था कुछ होगा पर हुआ नहीं। कुछ हुआ? जैसा आपने सोचा था वैसे ही हुआ ना? तुम आओगे तो होगा ना, ये वेट कर रही है। होना कहीं और चाहिए था, कहीं और हो गया। परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? खुजली, आजकल बुरे सपने आ रहे हैं। सोचना और गर्मी कम करने के लिए तालाब में डुबकी लगाई तो खुजली होने लगी। वैसे मेरी खुजली छोड़, तेरी खुजली यानी तेरी प्रेम कहानी कहाँ तक पहुँची? ये सब ऐश्वर्या से कैसे कहूँ समझ में नहीं आता। यही हमारे लोक में होता तो किसी हंस या मेघ के हाथ संदेशा भेज देता, और यहाँ कैसे बताऊँ, इसी सोच में उलझा हूँ। सुना है श्लोक में, ऐसे काम के लिए ब्रोकर होते हैं, ऐसे किसी ब्रोकर को भेज दो,
ऐसा कौन हो सकता है? ऐसे क्या देख रहे हो जैसे कोई ब्रोकर मिल गया? ये ब्रोकर का काम आप ही कर लीजिए ना। तेरी तो यमा, मैं ही मिला था क्या? मेरी शक्ल क्या तुम्हें ब्रोकर के जैसी दिखाई देती है? तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि तुम कर लो। मैं ठहरा आजन्म ब्रह्मचारी, मुझसे ऐसा काम हो सकता है क्या? सारा दिन बस पोता पोता कहते रहते हैं, पर पोते के लिए किया क्या आपने? और हाँ, उस नौकरानी के साथ आपने क्या किया? मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मर गया, उस पे सिर्फ गिरा और कुछ नहीं। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो पोते। ठीक है, किसी तरह सेटिंग करवा दूंगा। अब लाइन पे आए दादा। सुनो राजा, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। ऐश्वर्या की बात नहीं, नौकरानी की बात। ओह ठीक है। अब तक मुझे आग लगाने वाला ही कहते थे, अब सारे ब्रोकर भी कहने लगेंगे। बेटी ऐश्वर्या, मेरे मित्र का प्रेम संदेश कैसे देते हो मैं भी देखूंगा। दादा कम कम। गुड मॉर्निंग बेटी। ऐसी जिंदगी किस काम की? त्रिलोक में तो जाना माना देवर्षि हूँ, महर्षि हूँ, यहाँ आके ब्रोकर बन गया हूँ, सेटिंग के लेवल तक गिर गया हूँ। अब बाप रे, ऊपर से इंद्र ने देख लिया तो मुझसे रोज ऐसे ही काम करवाएगा। रोते रहोगे तो भूत राजा को दे दूंगी। कहने के लिए बोल रही है, कैसे कहूँ बेटी, ऐसी बातों में बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। कोई नहीं है इसलिए आपसे कहने आ गया, कृपया करके रुकिए। मैं जो कह रहा हूँ सुनिए, सुनाई नहीं दिया तो फिर से पूछिए। हमारे राजा जी रंभा उर्वशी को देखकर भी नहीं पिघले, लेकिन जब से आपको देखा है फिसल गए हैं, आप पे मर मिटे हैं, मर के ही सही आपको पाना चाहते हैं। मना मत कीजिए। वो मानेंगे नहीं, उनको कोई नहीं रोक सकता। रात दिन बस आपके ही ख्यालों में घायल शेर की तरह छटपटाते रहते हैं, कह रहे हैं कि आपके बगैर जी नहीं सकते। नरक यातना का अनुभव कर रहे हैं, आपसे कह नहीं पाए तो केबल वाले की तरह आप दोनों का कनेक्शन जोड़ने के लिए मुझे भेज दिया। अगर आप टीवी हैं तो वो रिमोट है, अगर आप मोबाइल हैं तो वो चार्जर है। इसलिए आपको स्वीकारो तो हंसिए, नहीं तो गुस्सा मत होइए। जुड़ गया लो कनेक्शन। जल्दी जाओ, अब देर मत करो, उसकी माँ को जाकर पटा लो। माँ? मेरा मतलब उसकी माँ से अपनी शादी की बात कर लो, क्योंकि तुम्हारे बारे में ऐश्वर्या से मैंने सब कुछ बता दिया है। पर आपने उससे कहा क्या और उसने क्या कहा? मेरी बात सुनकर वो गुलाब के फूल की तरह हंसी। वो हंसी? दादा मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा, चलता हूँ। दादा यहाँ मेरे जैसे प्रेमी बहुत सारे हैं, वो बेचारे अपने बड़ों से नहीं कह पाते इसलिए बहुत दुखी हैं। जितने दिन यहाँ हो उनका भी काम करो। ये नौकरानी का भय दिखाकर मुझे परमानेंट ब्रोकर बना देना चाहता है। वैसे भी ये नौकरानी नरक में तो आएगी, तब इसे देख लूंगा, तब तक मैं तपस्या कर लेता हूँ। नारायण नारायण। जब से आपको देखा है फिसल गए हैं, आप पे मर मिटे हैं, मर के ही सही आपको पाना चाहते हैं। दरवाजा क्यों बंद किया? ये बात हमारे बीच ही रहे इसलिए। क्या कह रहे हो तुम? अपने मन की बात आप ही से कहने आया हूँ। घबराइए मत, प्रेम क्या होता है, उसमें कितनी शक्ति है, वह
यहां आकर ही जाना। ऐसे प्रेम को जाहिर ना करना गलत है ना, इसीलिए वही कहने के लिए आया हूँ। ये बहुत गलत बात है। एक मानव मूर्ति को पसंद करना, पाने की इच्छा करना गलत कैसे हो सकता है? दुनिया की नजर में ये बहुत। बस कीजिए, प्रेम को गलत या अपराध मानने वाली इस दुनिया की मैं परवाह नहीं करता। आप बस हाँ कहिए, कहिए। हाँ। कहिए। मेरे पति को पता चला तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा कहिए, क्या होगा? हिम्मत करके बात बता देंगे, कुछ दिन सब दुखी रहेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों चिंता करती हैं? हाँ। जब हम एक दूसरे को चाहते हैं तो किसी और की परवाह क्यों करें? अगर नरेश जी ना माने तो कोई बात नहीं, आपको मंजूर है ना? भगा के ले जाऊंगा। तुम जो कर रहे हो वो घोर पाप है, भगवान के लिए छोड़ दो। मैंने आपको सब साफ साफ बता दिया, अब हम दोनों की खुशी बस आप ही के हाथ में है, इनकार मत कीजिए। देखा सर, कलयुग के दुशासन को। कौन सी अर्थी से मार के लाया तू? आप बहुत होशियार हैं, आपको मालूम हो जाता है। गब्बो जिंदाबाद, गब्बो जिंदाबाद, गब्बो जिंदाबाद। बंद करो भाई, आगे क्या करना है? मुझे जेल भेजने वाली उस छोरी को थैंक्स बोलने जाएंगे। ठीक है भाई, गब्बो जिंदाबाद, गब्बो जिंदाबाद, गब्बो जिंदाबाद। मुझे अब ये जिंदाबाद के नारे नहीं चाहिए, मुझे जेल की रोटियां खिलाने वाली उस गिलहरी को उड़ाना है। चलो। जो दिखता है हमेशा सच नहीं होता, वो तो बस कुर्सी में फंसे हुए मेरे पल्लू को छुड़ा रहा था। बेटी, सिर्फ तुम्हारे कहने भर से उसे क्यों मानना होगा? क्यों मानना होगा? सच्चे दिल से अपने मन की बात अपनी माँ से मुझसे कही इसलिए। ऐशु, जिस आदमी से तुम प्यार करती हो वो अच्छा है, तुम्हारे लिए सही है, ऐसा हम मानते हैं। तुम पर हुए उनके भरोसे को, ऐश्वर्या के प्रेम को, अब फुल स्टॉप। अब से तेरा मुंह नहीं देखेगी, ना ही मिलेगी। एक बार उससे मिलके बात करोगी तो तुम्हारा सारा शक दूर हो जाएगा। मेरी बात मान लो बेटी। नहीं मानूंगा, कुछ भी बोलो नहीं मानूंगा। उसके गले से रुद्राक्ष निकलवाऊंगा और उसके प्राण हरण करवाऊंगा। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। मैं अभी जाकर उनसे मिलती हूँ। तुम कितने भी षड्यंत्र क्यों ना रच लो, ऐश्वर्या के प्राण हरने वाला काम तुमसे नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा तो किसी और से तो जरूर होगा। ए, पकड़ो इसे, चल 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 जल्दी चल, चल गाड़ी में डालो इसे, चल चल जल्दी चल चल निकलो, चल निकल निकल। अबे ब्रेक लगा। कौन है रे ये जो बार बार अपने रास्ते के बीच में आ रहा है? भाई, इसने उस दिन इतना बुरा धोया था, अभी भी रात को सपने में आता तो सब गीला हो जाता है। भाई
उस दिन तो सबको गदा से मारा था, आज पता नहीं किससे मारेगा। मारना मार खाना हम लोगों का पेशा है, डरना मना है। काट डालो इसे। अरे बाप रे, ये देखा नहीं जा रहा। अरे तू क्या देख रहा है, जा मार उसे, काट के रख दूंगा, चल जा। ए, इधर क्या चिल्ला रहा है, उधर जा। अरे बाप रे, उतरने से छुपने में ही भलाई है। रुको, ऐश्वर्या को भूल जाओ, उसके प्राण तुम्हें हरण करने ही होंगे। वो काम करने वाला मैं हूं। तुम अपने कर्तव्य को भूल गए हो, उसे विधि लिखित से तुम बचा नहीं सकते। उसके गले में जब तक वो रुद्राक्ष है तब तक विधि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस रुद्राक्ष को कैसे निकलवाना है मैं जानता हूँ, और उसे किस तरह से बचाना है ये मैं जानता हूँ। धर्म के रक्षक होकर भी धर्म को भूल रहे हो। सती सावित्री के पति के प्राण लौटाने वाले उस यमराज का ही पोता हूँ मैं। प्रेमिका के प्राणों की रक्षा करना भी धर्म है मेरा। तो फिर हमारे बीच युद्ध होगा। छोड़ना भाई, उसे मत छोड़ना, उसे काट डालो, उसे काट डालो, काट डालो उसे भाई, काट डालो। चकू नहीं, I am sorry. Chances are very less. यानी? अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। I am sorry. Ha ha ha!
लड़ाई हुई है, मुझे बचाने के लिए खुद को। दुनिया में किसी भी घटना का कोई कारक नहीं होता, जैसा होना होता है होकर रहता है। अब तक प्यार क्या होता है, त्याग क्या होता है, मैंने जाना नहीं था, पर अब वैजयंती को इस हाल में देखकर मैंने उसकी कीमत जानी। वैजयंती को जीना होगा, भगवान को उसे इस खतरे से बचाना ही होगा। इसीलिए तो डॉक्टर ने कहा कि भगवान से प्रार्थना करूं। सिर्फ प्रार्थना नहीं, हमारा प्रयत्न भी जरूरी है। क्या करना है बताइए, वैजयंती के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी? हाँ कुछ भी। तो फिर अपने गले से वो रुद्राक्ष उतारो। परम पवित्र और अनेक शक्तियों वाला ये रुद्राक्ष बचपन से तुम्हारी रक्षा कर रहा है, ऐसा तुम्हारे घर वाले कहते हैं। एक बार उसे निकाल के वैजयंती के गले में डाल दोगी तो उसके महिमा से शायद वो बच जाए। मेरी वैजयंती बच जाएगी, उसे नई जिंदगी मिल जाएगी। इससे वैजयंती जिंदा रहेगी? कोशिश करने में क्या हर्ज है? मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। करने से ही तो पता चलेगा ना कि फायदा है कि नहीं। ठीक है, इस रुद्राक्ष में शक्ति होते हुए भी अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये वैजयंती को अपने हाथों से मारने के बराबर होगा। रुक जाओ, इसे मत निकालो, मेरी बात मानो। पर क्यों? तुम्हारे बचपन से तुम्हें बचाने वाला ये रुद्राक्ष तुम्हारी लक्ष्मण रेखा है, ये तुम्हारा जीवन रक्षक है, इसे मत निकालो। मुझे बचाने वाली वैजयंती मौत से लड़ रही है, उसे बचाने के लिए आज कुछ भी कर सकती हूँ मैं। रुक जाओ, रुद्राक्ष मत निकालो, मेरी बात मानो। मेरी सहेली की जान से ये ज्यादा कीमती नहीं है। ऐश्वर्या, मूर्खता मत करो, ये निकालोगी तो जानती हो क्या होगा। क्यों, मर जाऊंगी क्या? ऐश्वर्या, आगे कुछ मत कहो। गुप्ता, इससे कहो रुद्राक्ष ना निकाले, वैजयंती को कुछ नहीं होगा, तुम जानते हो। धोखे से ऐश्वर्या के प्राण मत छीनो, मैं ऐश्वर्या से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे प्यार को मत मारो, मेरी बात मानो। गुप्ता प्लीज मेरी बात मानो। मैं अगर तुम्हारी बात मानूं तो वहां यम धर्मराज को सबके आगे सर झुकाना पड़ेगा। यह ऐश्वर्या की आखिरी घड़ी है, नहीं रुकेगी, वो देखो। परेशानी का कारण मेरे लिए आपका प्यार है। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, रुक जाइए, चींटी को भी हानि न पहुंचाने वाली इस मासूम के प्राण मत लीजिए। रुको, ऐसे पुकारने का हक तुम खो चुके हो। अनेक युगों से सृष्टि धर्म को निभाते हुए, ऊंच नीच में भेद किए बिना, भव बंधन में फंसे बिना, सबको एक ही धर्म से देखते हुए, यम लोक का पालन करते हुए, सम धर्म के पालक हैं, कर्तव्य निष्ठा गरिष्ठ हैं, न्याय परिरक्षक हैं, हम हैं यम। ऐसी प्रशंसा पाने वाले हमको अपमानित करने वाला अपराध किया तुमने। प्रेम करना अपराध है? अपराध है। देव गंधर्व होते हुए भी एक मानव कन्या से प्रेम करके विवाह करने की इच्छा करना एक घोर अपराध है। अपराध कैसे दादा, कुमार स्वामी ने श्रीवल्ली से, वेंकटेश्वर स्वामी ने बीबी नाचारी जी से विवाह नहीं किया। बंद करो तुम्हारी उन्मत्त बकवास और मेरी बात सुनो। यम लोक की प्रतिष्ठा का सर्वनाश करके जिम्मेदारी को भूल कर भ्रष्ट हो गए हो, कर्तव्य निर्वहन भूल कर
एक सामान्य मानव जैसे अपने स्वार्थ के लिए देवताओं का उपयोग मत करो। चाहे तुम कितना भी गिड़गिड़ाओ, उसके प्राण लेने ही होंगे। पोते बाल गुप्ता, जिम्मेदारी को भूलने वाला एक यमराज है और वो भी हमारा पोता, फिर भी तुमने अपना कर्तव्य निभाया, तुम प्रशंसनीय हो। मैं धन्य हुआ यमो यमः। चिरंजीव, त्रिकोटी देवता और त्रिमूर्तियों के आगे मजाक बनने से बचा के मेरा सम्मान लौटाने के लिए तुमको एक वर प्रदान करता हूँ, मांग लो। बस दादा, आपका आशीर्वाद ही काफी है, मेरा जीवन धन्य हो गया। पोते, प्यार से देने वाले इस दादा के वरदान को मत ठुकराओ, मांग के देखो। आपके प्यार को कैसे ठुकराऊं दादाजी, आपकी संतुष्टि के लिए एक छोटा सा वर मांगता हूँ। मेरा प्रिय मित्र धर्मा अपने प्रेम में विजय प्राप्त करे, ऐसा वरदान दीजिए। बस इतना ही बालियम, तुम्हारे प्रेम को विजय प्राप्त हो। आओ, अब हमारे लोक में लौट चलते हैं। दादा, लौटने से पहले उसके प्रेम को जीवित तो कीजिए। उसको जीवित करना है, ये मजाक समझ नहीं आया। उसके प्रेम के विजय के लिए उसके प्रेमिका को जीवित करना होगा। असंभव। सोच लीजिए दादा, त्रिकोटी देवता आपके वरदान को झूठा मान लेंगे, वादा करके मुकरने वाला नीच समझेंगे, जल्दबाजी में जबान से फिसलने वाला, ढलती उम्र में गलतियां करने वाला, अंदर बाहर ऐसा करके चर्चा करके हंसी उड़ा के हल्ला मचा के। बंद करो तुम्हारा हल्ला, फंसा दिया है तुमने। चारा नहीं दादा, भूलोक में पांव फिसल जाए या देवलोक में जबान फिसल जाए, वापस लेना असाध्य है दादा। गुप्ता, कहिए दादा। तुम एक अच्छे मित्र ही नहीं बहुत ज्ञानी भी हो। ये तो आपका प्यार है। तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारे मित्र के प्रेम को विजय करने उस लड़की को प्राण प्रदान कर रहा हूँ। धन्योस्मी दादा। कहो बालकों, हमारे लोक में तुम्हारा लौटना कब हो? जैसे हाथ में प्रसाद देकर मुंह बंद कर देते हैं, वैसे प्रेमिका देकर वापस लौटने को कह रहे हैं दादा। भूल गया। तुम तो चल रहे हो ना? लगे हाथों इन दोनों को भी आशीर्वाद दे दीजिए। तुम दोनों की मित्रता देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मित्र हो तो तुम दोनों जैसे। ठीक है, तुम दोनों जोड़ियां विवाह करके तुम जितने समय तक चाहो प्रेम माधुर्य का स्वाद लेकर, आनंद लेकर, अनुभव लेकर, सुख शांति के साथ गृहस्थी चलाकर, उसके बाद प्रेम हिंडोलों में झूलते हुए अपने लोक में लौट आओ। तब तुम्हारा पट्टाभिषेक करके मेरी जिम्मेदारियां तुम्हें सौंप कर मैं विश्राम कर लूंगा। थैंक्स दादा। इट्स ऑल राइट। दादा, इंग्लिश? What English? I know better English. I can speak better English than you. Not only English, I can speak all the languages. Otherwise, how can I control all the people in the world? Dada, are you okay? Yeah, I am very well. Dada ji, तुम्हारे दादा के साथ भूलोक में आए थे ना, तब सारी भाषाएं सीख गए होंगे। यमराज का हल्ला फिर शुरू हुआ। विजयोस्मि यमो यमः। विजयोस्मि। जय हो दादा। मित्र गुप्ता, मैं तुम्हारे मन को समझ नहीं पाया। मेरी बात ही कुछ और है।